टेकफोर्ड लियो की तरफ से अब तक कोई खबर नहीं आई। हमें मालूम हुआ था कि वो अतरनूस के रास्ते पर रवाना हुए हैं। कहो क्या हुआ? टेकफोर वो उस्मान का कमांडर कोनूर, उसने अपने सिपाहियों के साथ अतरनूस का मुहासरा कर लिया है। सिपाहियों को तैयार होने का हुक्म दो, दरवाजों को मजबूत करो और तीरंदाजों को तैनात कर दो। जल्दी जाओ। आप सब यकीन रखें, वो इस कले की दीवारों को नहीं तोड़ सकते। चाहे दीवारें कितनी भी मजबूत हों, अगर उस्मान ने दाखिल होने का फैसला कर लिया है तो रास्ता तलाश कर ही लेगा। सिपाहियों, खुफिया रास्ते बंद कर दो। सही कहा आपने, उस्मान अंदर आने का कोई रास्ता ढूंढ लेगा, लेकिन फिक्र ना करें, वो यहां दाखिल नहीं हो सकता। टेकफोर, तुम तो हांप रहे हो टेकफोर, लेकिन हम अभी इतने भी वहशी नहीं है जितना तुम समझते हो। परेशान मत हो। अयाज, पानी लाओ। ये लो और अपने होशो आवाज बहाल करो। पी लो इसे, पी लो पी लो। आप मुझे मार क्यों नहीं देते उस्मान सरदार? कैसे जानते हो कि मार दूंगा तुम्हें? ये पानी जहरीला था। ये तुमने क्या किया? कैसे किया है तुमने? उठाओ इसे, ले आओ। उठाओ। मंगोल तो नहीं लग रहे बाइंदर साहब। पता है क्या, अब मंगोल की फौज में अल्हानी रियासत के मुख्तलिफ लोग शामिल हो चुके हैं। एलचम खातून से सुना है मैंने, अब हसन सबा के शागिर्द भी इसकी फौज में शामिल हो चुके हैं। हम पर हमेशा मुश्किलात आई हैं, ये सफर भी मुश्किल होगा। उरहान साहब, क्या लगता है ये मंसूबा कामयाब होगा? कामयाब नहीं हुआ तो क्या होगा एलजम खातून? ज्यादा से ज्यादा जाने खो देंगे अपनी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर डर लग रहा है तो आप पीछे हट जाए ना। मंगोलों का खून बहाए बहुत वक्त हो गया है उरहान साहब, पीछे नहीं हटूंगी मैं, और हमें कुछ होगा भी नहीं। तो उसके लिए अपना काम बखूबी निभाएं। चलिए। हर कोई अपनी जगह संभाले,
तुमने नेकिया और बुरसा को खबर भेजी क्या? घोड़ों को निकालना नामुमकिन है हुजूर, कले का मुकम्मल मुहासरा कर लिया गया है। तुरकारा है, सिर्फ एक घोड़ सवार है। क्या उस्मान होगा? तकफूर को इतला दो कि उस्मान सरदार आ रहे हैं। दरवाजे खोलो। उस्मान का इस तरह अकेले आने का क्या मतलब है? उसके हाथ में जरूर कुछ है। कीता का तकफूर हमारी गिरफ्त में है। अब या तो दरवाजे खोलो या हम तुम्हारे सरों पे दीवारें गिरा दें। चलो। देखो तकफूर को लाया हूं, खोलो दरवाजा। खोलो दरवाजा। हरगिज नहीं, मैं उसे अंदर दाखिल होने नहीं दूंगा। उसकी बात माननी होगी। आने दो उसे, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। हम यहां गालिब हैं। किताए का तकफूर उसकी कैद में है। सिपाहियों दरवाजा खोल दो। तुमने कभी हमारे खिलाफ चलने वालों की सजा के बारे में नहीं सुना होगा। ये तुम्हारे सामने है। अब ये खुद बताएगा इसने क्या किया और किस तरह से धोखा दिया। और मुझे पता है तुम्हें सुनकर खुशी नहीं होगी। चलो। बात सुनो, हम दुश्मन नहीं हैं। हम इस कैदी को तुम्हारे पास लाए जो बचकर भाग निकला था। क्या तुम इस खातून की तलाश में नहीं हो? हाँ, हम इसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम कौन हो? बाबा, एलचिम खातून, अपने मंसूबे पर गौर करें। चलिए, खुद को मजबूत बनाएं। ताजुद्दीन नोयान ने हमें सरहदी इलाकों से इकट्ठा किया। अगर हम पे तलवारें उठाई तो तुम में से जिंदा नहीं बचेगा कोई। तो अब ताजुद्दीन नोयान ने इस कैदी के बदले सोना देने का वादा किया है। अब यह सोना हमारे हवाले कर दो। मैं एक शर्त पर तुम्हें सोना दूंगा, पहले इस खातून को हमारे हवाले करो। नहीं, रुको। सिर्फ एक चीज जो हम तुम्हें देंगे वो है हमारी जंगजू तलवारों की जर्ब। सिपाहियों, हक है अल्लाह। Ah!
बेल्जियम खातून चलो अब बताओ ना खुल के। जो शख्स जानता है कि वो मरने वाला है वो भला ये सब क्यों कहेगा। अगर जिंदा रहना है तुम्हें तो तुम जरूर बताओगे। चलो बताओ जल्दी। देख रहे हो तुम जानते हो इस शीशी में क्या है। इसमें तुम्हारे लिए शिफा है। दरियाक उस्मान सरदार। आराम से आराम मुझे दे दो उस्मान सरदार। दरियाक हटो पीछे हट जाओ हट जाओ। जो भी हकीकत है उससे आगाह करो इन्हें। गोरखो लोहान ने मेरे पास अपना एक कासिद भेजा था कि मैं गोरखो लोहान की मदद करूं और मैंने उस्मान साहब के खिलाफ उसकी मदद की। उस्मान साहब मुझे तरियाक दे दो। उस्मान सरदार तरियाक दे दो मुझे। उस्मान साहब बताओ दोस्तों को जो गद्दारी की है। मैं इन्हें इससे ज्यादा नहीं बता सकता। अगर यही चाहते हो उस्मान साहब ठीक है ठीक है। अमीर गोरखो लोहान तमाम हुक्मरानों के कालों पर कब्जा कर लेता। इसके बावजूद तुम इसके साथ खड़े रहे। उस्मान साहब तरियाक मुझे दे दे। उस्मान साहब तरियाक मुझे दे दे। सब बताओ पहले बताओ जल्दी। गोरखो लोहान कले लेने के बाद मुझे देने वाला था इसलिए मैंने उसकी मदद की। उस्मान साहब अब ज्यादा वक्त नहीं है मैं मर जाऊंगा। तरियाक मुझे दे दें। उस्मान साहब मुझे दे दें। तो तुम्हें तरियाक चाहिए ठीक है गौर से देखो इसे। तुमने ये क्या किया क्या किया तुमने। ये तरियाक मेरे जिंदा रहने का वाहिद मौका था। तकफूर तकफूर जो तुमने पिया था पानी के सिवा कुछ नहीं था। उसमें जहर नहीं था कोई। तुम्हारे खून में जो दौड़ रहा है सिर्फ मौत का खौफ है। वो हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। कैसा हो सकता है। बेल्जियम खातून
ये मेरे बाबा नहीं है। क्या? ये मेरे बाबा नहीं है औरहान साहब। या अल्लाह तेरा शुक्र है। औरहान, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। औरहान गारा जिला सूर, आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, और इस दफा मेरा कोई निशाना नहीं चुकेगा। चलो अब बताओ मुझे, अकबाशी गुद्दू साहब कहाँ है? सिपाहियों, इनमें से कोई भी जिंदा न बच पाए। सिपाहियों, अब ये तुम्हारे हवाले है। मैं इसको नहीं मारूंगा। तुमने अपने साथियों को मंगोलों के हाथ बेच दिया है ना? शहंशाह रोम का अजीम हुक्मरान तुम्हारी आंखों के सामने जलील खोर हो चुका है वो, और तुमने अपनी तलवारें तक नहीं निकाली। तुम्हें ये करने से पहले सोचना चाहिए था। क्या सिर्फ मैंने ही बेचा है? क्या ये सिर्फ मेरी वजह से हुआ है? रोम में गद्दारों की यही सजा होती है। तो तुम क्या चाहते हो हमसे उस्मान? वो महसूल जो अदा करने का वादा किया गया था, फौरी अदा करें। उस्मान सरदार, हम एक हफ्ते के अंदर अदा नहीं कर सकते। आज ही अदा करना होगा। अगर अदा नहीं किया तो तुम्हारे सारे काले हमारी मिल्कियत हो गए। ये मेरा आखिरी फैसला है। और कोई हल नहीं हमारे पास इसके अलावा। मैं शहंशाह को खत लिखूंगी। कैसा खत लिखेंगी? मैं उनसे कहूंगी, सिपाहियों के साथ रोम के जल्लाद को भेज दें। अगर रोम का जल्लाद आएगा तो वो उस्मान को ही नहीं बल्कि तमाम सरजमीनों को नुकसान पहुंचाएगा। हम रोम के जल्लाद को नहीं रोक सकते। मालूम है, मैं जानती हूं कि शहंशाह भी उसे नहीं रोक सकते। मैं नहीं भूली उसने क्या किया, लेकिन हमारे पास कोई और चारा भी नहीं। रोम की बुनियाद उन कुर्बानियों पर रखी गई, और तुम सब हमेशा जिंदा रहोगे उन कुर्बानियों के साथ। उस्मान को शिकस्त रोम का जल्लाद ही दे सकता है। अगर वो आ जाए, और आन, वो सब फना हो जाएंगे। Whoa!
उठ जाओ, उठ जाओ। कहा था मैंने कि आज मेरा कोई निशाना नहीं चुकेगा। उठो। क्या कहा था कि आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, यही कहा था ना? अब कारा जिला सुन, या तो तुम बोलोगे या मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। बोलो, खामोश क्यों हो? मेरे बाबा कहाँ हैं? बताओ कहाँ हैं मेरे घर वाले? एलचम खातुम, बताओ। तुम्हें क्या लगता है तुम इसे तलाश कर लोगे? हाँ, ताजुद्दीन नौयान ने उनके लिए एक अंजाम तैयार रखा है। मार डालूंगी मैं तुम्हें। खातून, बताओ मुझे मेरे बाबा कहाँ हैं, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। खातून, मैंने कहा ना रुक जाए, आराम से। शहजादे, मैं जानता हूं कि इससे कैसे बुलवाना है। हुक्म दें, सब बुलवा लूंगा। हम बुलवाएंगे इससे, हां, मगर यहां नहीं। इसका मुंह यानी शहर में खुलेगा। बाइंदर साहब, इस मलून को यानी शहर लेकर जाएंगे, जिंदान में डालेंगे इसे। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए मेरे शहजादे, ये कुछ भी कहे बगैर नहीं मरेगा, बाइंदर का वादा है। एलचम खातून, इससे हम उगलवा लेंगे कि आपके वालिद और भाभी कहाँ हैं, और ये जरूर बोलेगा हमारा यानी शहर जाना जरूरी है। चलो सिपाहियों, हमारे शहीदों को नीचे उतारो। चलो। चलो। अल्लाह मुझे सब्र करने की तौफीक अता फरमा। चलो यहां थोड़ा आराम कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह इबादत कबूल फरमाए, हम आपको देखकर रुक गए, आप परेशान तो नहीं हुए? बिल्कुल भी नहीं, तशरीफ लाएं। आपका शुक्रिया। जब आप महल तशरीफ लाए थे तब देखा था। यूनुस अफंदी, उस्मान सरदार और औरहान सरदार से बहुत कुछ सुना है आपसे मुतालिक। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, अगर मिलना नसीब में हो तो मुलाकात हो ही जाती है। एक पौधा भी किसी के उगाए बगैर नहीं उग सकता। इसमें कोई भी शक नहीं, अगर किसी रास्ते पर जाना आपका मुकद्दर है तो उस रास्ते पर जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती।
है, क्या ये सच हो सकता है? मैंने ख्वाब देखा यूनुस अफंदी, मैंने देखा कि एक तरफ लुटेरे हैं और दूसरी तरफ हज का रास्ता है, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकती। दरअसल मैं समझ नहीं पा रही कि मुझे क्या फैसला करना चाहिए। ये आप नहीं जान सकती कि अच्छाई में बुराई और बुराई में अच्छाई का पहलू होता है। आपका इरादा और आपका रास्ता तो सरासर खैर का है। हज का रास्ता मोहब्बत का रास्ता होता है, ये रसूलल्लाह का रास्ता है। इसके लिए आपको एक इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, ये भी गुजर जाएगा। मेरा रब इल्म वाला है। जब भी मैं काबे को देखने के बारे में सोचती हूँ तो फैसला नहीं कर पाती, लेकिन सच कहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा हसरत है। यकीनन मैं इस इम्तिहान से भी गुजर जाऊंगी, लेकिन अहम चीज जिसके बारे में मैं सोचती हूँ, क्या मैं अल्लाह के घर को देखने के काबिल हूँ? अगर नहीं तो क्या होगा? आपके ख्याल में क्या यही वजह है कि लुटेरे ख्वाब में मेरा पीछा कर रहे थे? रब का अपने पास बुलाने और अपने हुजूर पेश होने से कौन रोक सकता है? जब तक आप ये सोच रही हैं कि मैं काबिल हूं या नहीं, तो आपको इस रास्ते के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। अपने आप को गुनाहों से पाक रखें और अपने आप को दुनिया की गलाजत से बचा कर रखें। शायद ये लुटेरे इस बात की निशानी है। बेशक हम नहीं जानते आपको इसका जवाब तलाश करने के लिए अपने दिल का मुआयना करना होगा। आपका दिल ही आपके ख्वाब की ताबीर करेगा। मेरा दिल बहुत ही साफ है, इसलिए कि मैंने अपने आप को हराम से बचाया। अब मेरे लिए काबे के रास्ते के अलावा हर रास्ता अजनबी है, और मुझे पूरा यकीन है अपने रब को राजी करने की कोशिश करूंगी, ताकि मेरा रब देखे कि मैं इस काबिल हूं। ऐसी बात है तो अल्लाह ताला आपकी राहें कुशादा फरमाए। आमीन। शहजादी मारिया, सुना है आपको भूख नहीं है? बहुत मजे के खाने तैयार करवाए हैं, शायद आपको पसंद आ जाए। आप क्या करेंगी मेरे साथ बाला खातून? अगर मुझे बाज़ंतीन भेज देंगे तो वो मुझे ताजुद्दीन नोयान के पास भेज देंगे। कुछ मत कीजिए अब आप। मेरी मौजूदगी आपके लिए खतरनाक है। क्या अब आप मुझे मार देंगे? आपके ख्याल में क्या हम इतने जालिम हैं? हाँ, आप हमारी मेहमान हैं शहजादी मारिया, यहां हमारी हिफाजत में हैं, एक अमानत की तरह हम आपको महफूज रखेंगे। ठीक कहा आपने बाला खातून। गोरकोलो खान से शादी में मेरी मर्जी नहीं थी, धमकियां दी गई थी मुझे। धमकियां? मुझे तो एक तुर्क पसंद है, कुस्तंतुनिया में। उससे तिजारत करते हुए मुलाकात हुई, भागकर शादी करने वाले थे लेकिन नहीं हुई, पकड़ लिया उन्होंने उसे।
अगर ये शादी ना की तो मार डालेंगे उसे। इस वक्त सिर्फ आपके अलावा मेरी और कोई मदद नहीं कर सकता। होशियार उस्मान सरदार। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। पाक है वो जात अल्लाह की जिसने हमारे दिलों को नूरे ईमान से मुनव्वर किया। दीवान का आगाज करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सिर्फ एक कबीला नहीं रहे। हर चीज पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। महमद साहब, ये बताइए जरा, रियासत के वजूद से क्या हासिल होता है? रिवायत। हाँ रिवायत। हाँ, हम अपनी रिवायत को बरकरार रखेंगे और हर कोई यहां अदालत से इंसाफ ले सकेगा और कोई भी हमारे पीछे चाल चलने का हर किस्मत सोचे। अगर इंसाफ का निजाम बिगड़ता है तो उस सूरत उस रियासत का दिया बुझना शुरू हो जाता है। हमेशा याद रखिए, रियासतें सिर्फ सोने और सिपाहियों से नहीं हासिल की जाती, अकल चाहिए होती है। उस्मान साहब, सरदारान के दीवान में आने के लिए इकट्ठा हो गए या हमें नीचा दिखाने के लिए जरगा लगा रहे मुलुक? महमद, हम आपको हकीर नहीं समझते। महमद साहब, जिस मसले से तुम घिरे हो उससे निकालने की कोशिश कर रहे हो। अलाउद्दीन, सरदारान, हम सभी फानी हैं। आज नहीं तो कल हम सभी सपुर्दे खाक हो जाएंगे, मगर हमारा ख्वाब जो है हमारी जिंदगियों से कहीं बढ़कर है, और ये हरगिज नहीं भूलिएगा। क्या सोच रहे हैं याकूब साहब? हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद अल्लाह के नाम को पूरे जहान में फैलाना है। एक और बात याद रहे, तकब्बुर में भी आकर कोई अपना परचम बुलंद करने की कोशिश न करे। वैसे भी मुसलमानों को इस किस्म की हरकतें जेब नहीं देते। खैर, हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाए। फर्ज में कोताही करने वाला यकीनन सर गंवा सकता है।
उस्मान सरदार, हमें जो सुनना था सुन लिया, जो लेना था ले लिया, लेकिन आपने हमेशा रियासत और इख्तदार का नाम लिया है, जंगजू का क्या, जिहाद का क्या? याकूब सरदार, उस पर आपकी गैर मौजूदगी में दीवान में बात, आप अपनी सरजमीन पर वापस जाओगे। हम दोनों ताजुद्दीन नौयान का निशाना है, कुताहिया उसके कब्जे में है, वहां से होने वाले हमलों को आपको शिकस्त देना होगी। अभी के लिए हमारे लिए बस इतना ही काफी है। के लिए अगर यही मुनासिब है तो मैं इसे करने से पीछे नहीं हटूंगा, यह मुनासिब है। जबकि दौर बदल चुका है तो इस सूरत हर चीज मुख्तलिफ होगी, हम फतहयाब होंगे। हर कोई तैयारी रखे अपनी। आप जा सकते हैं। السلام علیکم شہزادے۔ وعلیکم السلام سولگور آغا۔ بائندر صاحب، خفیہ راستے سے کارا جلسون کو محل لانے والے تھے، کیا وہ پہنچ گئے؟ پہنچ گئے ہیں شہزادے، پہنچ گئے ہیں۔ اس منگول کو وہ تب تک اذیتیں دیں گے جب تک وہ منہ نہ کھول دے۔ یہی کرنا چاہیے، پہلے ہمیں وہ اپنی معلومات بتائے، اس کے بعد اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ انشاءاللہ میرے شہزادے۔ हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर आपकी खाला को मालूम हो गया तो? अरहान ने मुझे बेवकूफ बनाया, उसने झूठ बोला है मुझसे, इसकी कीमत चुकानी होगी उसे। वो रहा, देखते हैं तुम क्या जवाब दोगे शहजादे। एलचम खातून, एलचम खातून, उस्मान साहब महल में इंतजार कर रहे हैं, आप कहां जा रही हैं? एलचम खातून, ये लड़की कौन है? शहजादी, चलिए हम चलते हैं यहां से। उरहान साहब, आप जाइए,
कुछ देर में आती हूँ मैं। ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? ठीक हूँ। दरअसल कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। एलचिम खातून, मैं जानता हूं कि आप मुश्किल में हैं। आपके वालिद, भाभी, मगर उन्हें हुआ तो कुछ भी नहीं है ना? हाँ, अल्लाह ने चाहा तो वो ठीक होंगे। एलचिम खातून, अपने आंसू पोंछ लीजिए। कोई जवाब नहीं है बात करने का, और हाल अपना इंतखाब कर चुका। वो मंगोल अब भी हमारी गिरफ्त में है, वो सब कुछ बताएगा। आप बेफिक्र रहिए, आपके वालिद और आपकी भाभी को ढूंढ लेंगे। हेलो फेरा, अल्लाह खैर करे, ये यहां क्या कर रही है? भाई फातिमा, क्या हुआ? भाई मैंने अभी होलोफेरा को देखा है बाजार में, और वो आप दोनों को देखकर गई है। कहाँ गई है? रोते हुए यानी शहर के दरवाजे की तरफ गई है। होलोफेरा यकीनन कुछ गलत ही सोच रही होगी। होलोफेरा कौन है और उसने हमें साथ देखकर क्या समझ लिया? भाई मोहब्बत करते हैं उससे, और तुम कौन हो? तुम मेरे भाई के साथ क्या कर रही हो, और ये लिबास कैसा पहन रखा है तुमने? काई कबीले की हाइमा खातून के नस्ब से मैं एलचिम खातून हूं। सराय में मिलेंगी फातिमा खातून। अब कभी भी तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। होलोफेरा, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मेरा पीछा मत करो, तुम्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ। होलोफेरा, तुम्हें गलत फहमी हुई है, एक दफा मेरी बात तो सुन लो। सच सुनना चाहते हो मुझसे? वैसे तुम हो ही नहीं जैसे दिखते हो, तुम एक झूठे मक्कार इंसान हो। होलोफेरा, ऐसा कुछ नहीं करना कि बाद में पछताना पड़े। आई समझ? जो तुमने देखा उसकी हकीकत नहीं बता सकता, मगर इतना जान लोगे, मेरा उस औरत से कोई लेना देना नहीं है। और शहजादी से जो खेल मेरे और मेरी खाला के साथ खेला तुमने, इस बात की क्या सफाई दोगे कि तुमने मेरी आंखों में देखकर झूठ बोला मुझसे? तुम जानते हो मेरी खाला से दुश्मनी है तुम्हारी, तुमने हमेशा के लिए जुदा कर दिया हमें। अलग तो हमें कोई भी नहीं कर सकता। देखो जरा मेरी तरफ, शायद तुम भी हम दोनों के दरमियान नहीं आ सकती। सुनो, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा, और ये फर्ज था मेरा जिसे मैंने अदा किया। सिर्फ लफासी करनी आती है, तुम्हारी हर बात सिर्फ लफासी है। औरान,
तुम अपने फराइज की बात करते हो ना, तुम मुझ पर एक आखिरी एहसान कर दो। मेरी खाला ने शहंशाह को खत लिखा है, रोम के जल्लाद को यहां भेजा है। और वो है कौन आखिर? तुमने एक बहुत बड़ी जंग छेड़ दी है औरहान, मेरी खाला को तुमने अपना दुश्मन बना लिया। सिर्फ हमारी मोहब्बत ही नहीं बल्कि तुमने आम इंसान को भी खतरे में डाल दिया। हम दोनों के हक में तो अब कुछ नहीं हो सकता, कम से कम लोगों के लिए कुछ कर लेना। रोम का जल्लाद, यहां हमारा काम खत्म हुआ है, जरा चलो। रोम का जल्लाद आखिर है कौन होलोफेरा? चलो इंदिरा, चलो। भाई, होलोफेरा कहां जा रही? सब ठीक तो है? भाई दरअसल मसला थोड़ा पेचीदा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इसका हल कैसे निकलेगा। फातिमा ने सही कहा, लेकिन मैं हल कर लूंगा। हम इसे हल करेंगे भाई। तुमने क्या किया, सब ठीक है? मैं अपने दिल को खामोश कर चुका हूं, अब से मेरी अकल ही मेरी तरजीह है और वही सीधा रास्ता दिखाएगी। चलो। नहीं नहीं, मैं अलगन खातून से बात करूंगी कि इस मसले में हमारी मदद करें। तुम्हारा फरीजा पहले से ज्यादा मुश्किल होगा, इस दफा बीवी और बच्चे से दूर रहोगे, गर्मियान के साथ रहोगे। लेकिन मुझे यकीन है कि वो अब महफूज रहेंगे, क्योंकि वो अब आपके हवाले हैं उस्मान सरदार। उस्मान ने बजंतीनियों को जेर कर दिया, सभी हुक्मरानों को अपने साथ मिला लिया है उसने। यह बात मुझे तकलीफ दे रही है, हमें उसी वक्त उस्मान से छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए था। अगर उस दिन हम खामोश, अहमद खामोश। हमसे गलती हुई और हम खामोशी से इसकी कीमत चुकाएंगे, खामोशी से। उस्मान सरदार, तैकफूर ने उन पर मुकर्रर किया गया महसूल भेजा है। जाओ हुक्मरानों से कह दो, अगर इसमें से एक सिक्का भी कम होता है तो मेरी गिरफ्त में उनकी सांसें होंगी। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा उस्मान साहब।
अपनी रियासत के वजूद में आने से पहले ही उसके टूटने की सोच रखना सल्तनत से लगाव है। लगता है कि इस चीज ने आपकी बसीरत छीन ली है याकूब सरदार, मगर मैं देख रहा हूं कि आप गलती सुधारना चाहते हैं। ये मेरी नजर में आपको अजीम बनाता है। मैं आपको दिल से माफ करना चाहता हूं, मगर उसमें भी वक्त है। किस वक्त की बात कर रहे हैं उस्मान सरदार? इकदार का लालच जलती हुई आग की मानंद है। कितने लोग हैं जो खाक हो चुके हैं मेरी रियासत के साथ साथ। चाहता हूं कि यह ख्वाहिश बरकरार रहे आपकी। हमेशा आपको अपने पीछे खड़े देखना चाहता हूं मैं। अगर तो ऐसा होता है तो यकीनन माफ कर दूंगा। मगर अभी मैंने माफ नहीं किया। इंशाल्लाह उस्मान सरदार, इंशाल्लाह। आपका शुक्रिया। रास्ता खुला है, जाइए सलामती के साथ। बाबा नहीं करें ऐसा। खामोश रहो मेहमत, चलो यहां से। जनाब होलोफेरा सरहदी इलाके में किसी के आने का बता रही थी। वो उसे रोम का जल्लाद कहते हैं। अगर ऐसा है तो हालात और पेचीदा होंगे। क्या आप उसे जानते हैं? नहीं, हम अगर नाम उसका सुना है। जल्लाद कहते हैं उसे, भेष बदलता है, कई नामों से जाना जाता है। यहां तक के उसने शहनशाह के सामने जाकर उसके लोगों को जान से मार दिया। अब लगता है कि शहनशाह से उसके ताल्लुकात बेहतर हो गए। अब वो हम पर हमला करने आएगा। बाबा, अपने ही लोगों के साथ ऐसा सलूक करना दुश्मनों के साथ क्या करता होगा? कहा ना, हालात मुश्किल होने वाले हैं। अल्लाह मदद करेगा। आमीन। आ जाओ। यहाँ से ना जाए, वालदा मुझे उन्हें रोकने दीजिए। चुप हो जाओ। जानवर कहीं के सिपाहियों, जारी रखो जरा। जब तक मुंह नहीं खोलोगे अजियत मिलेगी। जिंदगी चाहते हो तो बताओ सरदार गंदूस कहां है। आ,
कारा जिला सुन बहुत दिलेर है। तुम्हारे गले में किसका पट्टा है पता नहीं। हाँ अब तो ताजुद्दीन नौयान की खिदमत कर रहे हो। क्या लू इंतकाम तुमसे? इंतकाम तो मैं तुमसे लूंगा तुम्हारा सर काट के। जो मेरे साथ अच्छी तरह पेश आते हैं मैं उनका वफादार हूं। अच्छी तरह खिदमत करो उसकी अच्छी तरह। शामिल जनाब चलो अजियत देना शुरू करो इसे। जो आपका हुक्म। बस मरना नहीं चाहिए। ठीक है जनाब। अपना मुंह जरूर खोलेगा। चलो भाई काट दो। ठीक है बताता हूं जो कुछ पता है बताऊंगा। जाए तो हान के भतीजे ताजुद्दीन नोयान यानी शहर आएंगे। अपने सरदार उस्मान को बता देना। डरो मत उस्मान के चेलो। सिपाहियों पुरसकून रहो। ताजुद्दीन नोयान तुम्हारे इस शहर में सिर्फ बात करने आ रहे हैं। यागीज उस्मान साहब को खबर दो। जो हुक्म आपका। एलचिम के बाप गंदोस की जगह तब्दील कर दी गई है। कहां? कहां? कहो। उसे ताजुद्दीन नौयान के मुल्क में एक महफूज मलागा में रखा है कारादरी की जगह पर। क्या तुम वहां जा सकोगे? जिससे इतना डर रहे हो क्या उसका मुकाबला कर सकोगे? सब खत्म हो चुका है। इस वक्त अपने बारे में सोचो उस्मान। बेवकूफी मत करो। चलो छोड़ दो इसे। हुजूर ताजुद्दीन नौयान बात करने के लिए यानी शहर आ रहा है। अब क्या करोगे उस्मान? बात सुनो मेरी। ये मत समझो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। गुरबुज के साथ जो हुआ याद है मुझे। सिपाहियों सर उतरने तक ये जिंदा रहना चाहिए। हर हड्डी तोड़ दो इसकी। जैसा हुक्म हुजूर। मुझे नहीं लगता कि सादत खामोश रहेगी। आलगन ध्यान रखना है तुम्हें। इस वक्त वो नाराज है। मोहतात रहना काम आ सकता है। आलगन हमारे मेहमान कहाँ हैं? फातिमा के साथ दस्तरखान पर। वालिदा इनसे मिले। ये है एलजिम खातून। अकबाश गंदूस सरदार की बेटी। मेरा नाम एलजिम खातून है। खुश आमदीद मेरी बेटी। मैं मलहून खातून हूं। आपके साथ जो कुछ भी हुआ अफसोस है मुझे। मैं बाला खातून। हाइमा अम्मा के नसब से हैं सुना हमने। महल में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया।
उस्मान साहब से कब मिल सकते हैं? वो मेरे वालिद और भाभी को बचाने के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं। उस्मान साहब अपने कामों से फारिग होकर आपको बुला लेंगे। अगर आप चाहें तो आराम करें, कपड़े भी तब्दील कर लें तो अच्छा है। आलगन, एल्जम खातून को कमरे में ले जाकर इनके कपड़े तब्दील करवाओ। इसकी जरूरत नहीं, जब तक बाबा अपना ओहदा ना संभाल लें तब तक कबीला मेरे हवाले है और तब तक मेरा लिबास यही रहने वाला है। समझ में नहीं आया, ऐसा क्या है? अवाम को साबित कदम रखने के लिए बाला खातून, बाबा के वापस आने तक ये लिबास एक मर्द की तरह पहना है। बहुत अच्छी सोच है अलचिम खातून, जरूर जब लोग आपको देखेंगे तो काफी मुतासर होंगे। इंशाल्लाह जल्द ही आप अपने खानदान से मिलेंगी और आपकी मेहनत रंग लाएगी। इंशाल्लाह। अंदर आने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है किस्मत। उस्मान साहब दीवान में आपका इंतजार कर रहे हैं खातून। शुक्र है। होशियार और बहुत बहादुर, माशाल्लाह। अगर मैं ऐसे कपड़े पहनने का कहूं तो मुझे इजाजत नहीं मिलती और आप उसकी तारीफ कर रही हैं। प्यारी बेटी, तुम तो इस लिबास में परी जैसी लगती हो, तुम्हारा क्या मुकाबला। बाला, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें वो पसंद नहीं आई? पहले उसे देखते हैं, फिर वक्त बताएगा हमें। चलें। दरमियान के सभी नामवर कमांडरों को कथाइया में बुलाओ कानिमास। ताजुद्दीन नौयान को इन जमीनों से निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जो हुक्म मेरे सुल्तान। असल तबाही सरहदी इलाकों में है, कुताहिया जाने का वक्त नहीं है। क्या बात कर रहे हो महमद? उस्मान ने आपके और आपकी सल्तनत के साथ गद्दारी की है बाबा, क्या इतना काफी नहीं? अलखानियों के हाथ से शहजादी को छीन लिया। वो अच्छी तरह जानता था कि इन तमाम आफात से कैसे बचना है। अब अगर ताजुद्दीन नौयान को शिकस्त हुई तो फिर उस्मान को कोई नहीं रोक पाएगा। महमद, मैं सब जानता हूँ और देखता भी हूं। कताया इसीलिए वापस जा रहा हूं। अगर उस्मान को ताजुद्दीन नौयान की बदबख्ती से निजात मिल जाए तो वो एक दिन हम पर भी सुल्तानी करेगा। इतना भी नहीं देख सकता क्या मैं? इतना अहमक हूं मैं? मत भूलो, तुम्हारी तलवार, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी जर उस्मान के दुश्मन होंगे। हम इसे खून से नहीं, अकल से हल करेंगे। क्या तुम अब मेरी बात समझ रहे हो महमद? समझ गया बाबा। गोंजा, महमद, जब तक मैं कुताहिया में हूं आप सरहदी बाजार का ख्याल रखेंगे। आपके हर कदम की मुझे खबर होगी। जैसा आपका हुक्म बाबा। तुम मेरे इल्म के बगैर कुछ नहीं करोगे। जो आपका हुक्म बाबा। सुल्ताने मोहतरम, मैं आपके पास ही आ रहा था। मेरे पास आपकी पनाह के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। अलगन ने भी मुझे छोड़ दिया।
मेरे बच्चे ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। जहर कोताई, इस सारी अजियत के बाद भी तुमने मेरा राज अफशा नहीं किया। नहीं, कह सकते थे तुमने मुझे मेरी गलतियों पर नहीं मारा, बल्कि मेरे बेटे ने तुम्हें मारने की कोशिश की, फिर भी नहीं कहा। शुक्रिया जहर कोताई, मेरा दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। मैं हमेशा इस दरवाजे पर पहरेदार रहूंगा। मैं जानता हूं जबकि मैं कोताहिया में होऊंगा, तुम और महमद सरहदी बाजार में होगे। महमद को अब तुम गलतियां करने से रोकोगे। अब जैसा हुक्म दे सुल्तान। एक तरफ है बाजंतीन का जल्लाद और दूसरी तरफ ताजुद्दीन नौयान। बहुत बड़ी जंग दहलीज पर है। एलचिम ने सूरत हाल से आगाह कर दिया है, इसलिए तुर्कों को इकट्ठा करना होगा, हमें मजबूत होना होगा। यह जंग किस कदर तवील होगी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, मगर यकीनन पहले की तरह नहीं होगी, ये वाज़े है। एलचिम बेटी के वालिद ताजुद्दीन की गिरफ्त में है, हमें इसके साथ चलना होगा और अब से ये हमारा फर्ज है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे वालिद के पास 1000 जंगजू हैं जो जंग में बच गए थे, अगर आप इजाजत दें तो मैं उन सब जंगजुओं को इस जंग में बुलाना चाहूंगी। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। बुरान जनाब, मोहर कातिब को दो फौरन। जो आपका हुक्म जनाब। हमसे जो हो सकेगा हम वो करेंगे। अब ऐसा है कि ताजुद्दीन नौयान मुझसे बात करना चाहता है, वाजह है कि सौदा करना चाहता है। यकीनन वो बैत करने का कहेगा और शहजादी मांगेगा, हत्ता के एलचिम खातून को भी जनाब। क्या अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ जनाब। ताजुद्दीन नौयान शहर के दरवाजे पर है। अब हम क्या करेंगे उस्मान साहब? वो ही होगा जो मैं चाहता हूं, वो हरगिज भी नहीं होगा जो वो चाहता है। या। शहजादे, ताजुद्दीन नौयान का एलची है, आने दो। उसके साथ एलचम खातून के कबीले की तमाम असीर खवातीन और बच्चे भी हैं। अगर हमने हमला करने की कोशिश की तो सबको मार डालेगा वो। अब तुम क्या करोगे अलाउद्दीन? अपने गुस्से को काबू में रखना बेटा, उनका मकसद हमें जंग पर उकसाना है। क्या वो बात करने नहीं आया? ठीक है, हम हमला नहीं करेंगे। उस्मान सरदार के हुक्म के बिना ऐसा कुछ नहीं होगा। जो हुक्म शहजादे।
वाजह है कि ताजुद्दीन नोयान सिपाहियों को लेकर यानी शहर पहुंचा है और बाकी सिपाही हमले की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके हमले से पहले हम उन पर हमला कर देंगे। बोरान, हुजूर, तुम साथ लाए हो ना? जी सरदार, हमारे साथ है। चलो आ जाओ, चलते हैं। जो हुक्म हुजूर। उस्मान इतना जवान तो नहीं हो सकता। उस्मान कहाँ है? मैं उस्मान सरदार का बेटा अलाउद्दीन। तुमसे मिलने का मुझे हुक्म था। तुम मेरी बराबरी करने वाले कौन हो? तुम उलजायतों के भतीजे, शहजादों के शहजादे ताजुद्दीन नोयान हो, और मैं सभी सरजमीनों के मालिक, तुर्कों के मुहाफिज, उस्मान सरदार का बेटा अलाउद्दीन। अगर मेरे चचाजाद अख्तेमूर भाई यहां होते तो वो तुम्हारा सामना करते। हमारे ओहदे बराबर हैं, तो फिर बताओ तुम यहां क्यों आए? मकसद क्या है तुम्हारा? क्योंकि तुमने अपने बड़ों की बात नहीं मानी अलाउद्दीन सरदार। अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो दिल में आएगा कर लोगे। अल्हानी रियासत की बहू शहजादी मारिया को तुम अगवा कर चुके हो, घोर को लुहान को भी कत्ल कर दिया। हम लोगों ने इस शहर को अभी तक तबाह नहीं किया, शुक्र करो। तुम जिसकी बात कर रहे हो, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि हम तुम्हारी इताअत करेंगे? हम अल्लाह के हुक्म के सिवा कुछ नहीं करते। शहजादे, हम इस सरजमीन पर अल्लाह की तलवारें हैं, तुम्हें अपने किए का हिसाब देना होगा। मैं ताजुद्दीन नोयान आफत बन जाऊंगा तुम्हारे लिए। आ जाओ।
चलते रहो। ये कैदी खैमा है, हो सकता है बाबा यहाँ हो। फिक्र मत करो, उनको लिए बगैर हम नहीं जाएंगे। आ जाओ। बाबा, खुश आमदीद उस्मान सरदार। तुम्हारा ही इंतजार था। ताजुद्दीन नौयान, भाइयों रुको। अपनी तलवारें छोड़ दो, तुम यहां से जिंदा नहीं निकल सकते। उस्मान सरदार, खुशामदीद उस्मान सरदार, अब कहीं इंतजार था। जानता हूं मैं आप जैसे मर्दों को,
इसलिए मुझे यकीन था कि आप यहां जरूर आएंगे। छोड़ दो अपनी तलवारें। अब हम क्या करें? क्या इनके सामने हथियार डाल दे क्या हम? मैं अपनी तलवार कभी नहीं छोड़ूंगा। सिपाहियों, जैसे ही मैं हुक्म दूं तुम्हें, लगता है हमारे मुकद्दर में एक साथ शहीद होना लिखा है। यकीनन मैं इनमें कई को मारने से पहले नहीं गिरूंगा। तुम्हें मालूम है मैं क्यों आया हूं यहां? शहजादी मारिया के लिए, इसके अलावा कारा जेला सुन के लिए। मैं यहां उनके लिए नहीं आया, किसी और को ढूंढ रहा हूं। जिसकी वालिदा और बाबा को कत्ल किया तुमने, एल्चिम खातून को। एल्चिम खातून क्या यहां पर है? सिपाहियों, एल्चिम खातून को ले आए। क्या हुआ? चौंक क्यों गए जब तुमने उसका नाम सुना और मालूम हुआ कि वो हमारे साथ है? इतना बेखौफ होकर उस्मान सरदार के महल आ गए और एक नौजवान लड़की से डर गए? छोड़ो इसे। तुम झूठे हो, तुम ताजुद्दीन नौयान नहीं। क्या तुम अपनी मौत चाहती हो खातून? वालिदा, हमारा वक्त बर्बाद किया। ये ताजुद्दीन नौयान नहीं है, अलाउद्दीन। इसके सिपाहियों को गिरफ्तार किया जाए। चलो। किसी का खून नहीं बहना चाहिए। सिपाहियों, सबको गिरफ्तार कर लो।
इन सबको जिंदान में डाल दो। अगर मेरे बाबा को कुछ भी हुआ तो मैं इनके सरों को काटकर ताजुद्दीन नोयान को भेज दूंगा। काराजीला सोन, तुम्हें मेरी तरफ रागिब करने के लिए पकड़ा गया। और अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। सिपाहियों, रुको, अपने हथियार छोड़ दो। ये क्या कह रहे हैं कोहिनूर सरदार? मैंने कहा छोड़ दो, इन्होंने मारना होता तो पहले ही मार चुके होते। उस्मान सरदार अब तक अंदर है, इनका मकसद कुछ और ही है। अपनी तलवारें छोड़ दो, चलो। सिपाहियों की परवाह किए बगैर यही तुम्हें मार डालूंगा। इसकी नौबत ही नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम जिस तरह मैंने तुम्हें नहीं मारा। बात सुनो मेरी, इरादा क्या है? मेरा मकसद सुलह है, इसीलिए आया हूं यहां। लेकिन अगर तुम्हारा इरादा कुछ और है तो तुम में से कोई भी यहां जिंदा नहीं बचेगा। तो इस इरादे से तुम यहां पर आए हो? मेरा दिल बहुत बड़ा है उस्मान सरदार, तुम्हें अपनी नेक नियति दिखाने के लिए मैं तुम्हारे बाकी साथियों को बाहर जाने की इजाजत दे रहा हूं। ताकि हम दोनों अकेले में बात कर सके। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो पहले एलचिम खातून के घर वाले यहां आएंगे, देखेंगे वो जिंदा है या नहीं, उसके बाद बात होगी। जानता था कि तुम यही कहोगे, इसलिए मैं उन्हें ले आया हूं। जाइए अब। ठीक है, जाओ। अब बताओ क्या कहना है? मैं जो कहने वाला हूं वो काई और अलहानी दोनों के मफाद में होगा। एलचिम, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो बाबा। रुक जाओ मुझे। एलचिम बाबा, मेरी बच्ची। छोड़ो बाबा, मैं आ रही हूँ। एलचिम खातून, मेरी बात सुनो, आराम से रहो, ऐसा कुछ भी मत करना जिसकी वजह से बाद में पछतावा हो। मेरी वालिदा मर गई, मेरा भाई मर गया और आप कह रहे हैं कि मैं पुरसुकून रहूं?
अगर आपको डर लग रहा है तो पीछे हट जाइए। बाबा। हाँ मेरी बच्ची। खातून, कहाँ ना रुको? जाओ यहाँ से, खुद को बचाओ एलचिम। बेटी, एलचिम मेरी जान, चली जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए और कबीले की खातिर मुझे यहीं रहना पड़ेगा। इसी में सबकी भलाई है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। मैं आपको इस हाल में कैसे छोड़ सकती हूँ बाबा? अकेली नहीं हूँ मैं, उस्मान सरदार मेरे साथ हैं। उस्मान सरदार, अल्लाह का शुक्र। ये बहादुर कौन है? क्या ये उस्मान सरदार के बेटे हैं? उस्मान साहब ताजुद्दीन नौयान के जाल में फंस चुके हैं। गुंदू सरदार, मेरे बाबा उस्मान सरदार बहुत गौर और फिक्र के बाद ही यहां आए हैं। फिक्र की कोई बात नहीं, आपको निकाल लेंगे हम यहां से। बेटा, तुम ताजुद्दीन नौयान को नहीं जानते, वो जालिम है, कातिल है, उसने जाल में फंसाया है सबको। मैं भी एक अरसे से उसका जुल्म सह रहा हूं और अब देखना, वो तुम सबको भी नहीं छोड़ेगा, सबके सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। तुम वो दोगे जो तुम्हारे पास है। तुम्हें शहजादी चाहिए हा? सिर्फ शहजादी ही नहीं, तुम्हें कारा जरासून को भी मेरे हवाले करना होगा। ये तो तुम भी जानते होगे कि उलझाए तो हान का भतीजा यहां आया था। तो मसला कुछ और है, असल बात बताओ क्या है? वो एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। बहुत बड़ी जंग? वाकई इतनी बड़ी कि हम तक पहुंच गए? हाँ ऐसा ही है। इस जंग में सिर्फ कत्ल ही नहीं बल्कि शौहरत के साथ साथ सोना भी वाफिर होगा। ये बताओ जरा, वो लोग किस तरफ जाएंगे? सोने की दौड़ में शामिल होंगे क्या? अपने सिपाही हमारे मातहत कर दो और उस जंग में हमारे साथ ताउन करो, तो उसके बाद ही तुम ये जानने में कामयाब हो सकते हो। बस करो, रुक जाओ रुक जाओ। हमारे सिपाही सिर्फ अल्लाह की राह में लड़ने के लिए निकलते हैं और ये वाजे है कि तुम्हारा और हमारा मकसद एक नहीं है। मेरी बात याद रखना, इस जंग के लिए एक भी सिपाही मैं अपना नहीं दूंगा। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं क्या ले सकते हो इसके बदले। ये जो छोटी सी तुम्हारी रियासत की ख्वाहिश है, उसे थोड़ा सा महसूल अदा करके मेरे चचा उलझाए तोहान से मिलके पूरी कर लो। बात सुनो मेरी, वो सरदारी जो किसी के मातहत होती है ना आजाद होती है ना खुद मुख्तार। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपनी बातों में फंसा कर उलझा सकते हो तो ये बात अच्छी तरह जान लो कि तुम गलत सरजमीन पर आए हो। किसी के आगे सर नहीं झुकाते हम कभी, और इसके लिए बहुत खून बहा है। जान देने और जान लेने से हम कभी दरेग नहीं करते। अगर तुमने अपना इसरार जारी रखा तो तुम मेरा वो रुक देखोगे जो तुमने नहीं देखा होगा। फिर जान लो कि तुम्हारी जमीन का हर बच्चा और हर औरत को इसकी कीमत चुकानी होगी। ये करने की कोई जरूरत नहीं उस्मान सरदार, सिपाही। उस्मान सरदार के साथी जो भी हैं सब आजाद हैं। अब बताओ मुझे, उस्मान साहब कहाँ हैं? उस्मान,
वो अजीम ताजुद्दीन नोयान का मेहमान है। बाला खातून, जो भी करो सोच समझ के करना, वक्त ज्यादा नहीं है, क्योंकि उस्मान की जिंदगी ताजुद्दीन नोयान के रहम पर मुनस्सिर है। तुम्हारी जिंदगी इस वक्त हमारे रहम पर मुनस्सिर है। याद रखो कि इस वक्त तुम कहां हो। तुमने हमें जाल में फंसाया। हाँ, उठाओ इसे। काराजला सून को एक जाल की तरह इस्तेमाल किया। तुम ताजुद्दीन नोयान का मुकाबला नहीं कर सकते। बाईसंगुर, सिपाहियों को उस्मान सरदार के पीछे भेज दो। ऐसी कोशिश मत करना। जब तक ताजुद्दीन नोयान ना चाहे, कोई जिंदा नहीं निकल सकता वहां से। तुम्हारे सिपाही मारे जाएंगे। शहजादे, इसे भी जिंदान में डाल दो। चलो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुम अपने सिपाहियों और खातून को लेकर चले जाओ, तुम्हारा सरदार आ जाएगा। सिपाहियों, चलते हैं। मैं अपने घर वालों के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। उस्मान सरदार ने कुछ सोच समझ कर ही हमें यहां से जाने का कहा है। उन्हें इस मंसूबे के बारे में बताना चाहिए, और उन्होंने ताजुद्दीन नोयान से क्या मुआहदा किया है। तुम जाओ, लेकिन मैं इनके बगैर नहीं जाऊंगी। बेटा, बात सुनो, तुम्हारे यहाँ से जाने में ही बेहतरी है। मैं आपको इस तरह नहीं छोड़ सकती बाबा। एल्चिम, तुम ठीक हो, बस यही काफी है हमारे लिए। अब जाओ यहाँ से। बेटा, बात मानो, चली जाओ यहाँ से। बाबा, मान जाओ बाबा की बात, जज्बात से फैसला मत लो बेटी। सुन लिया तुमने, अब मेरी तरफ देखो, सुन लो अपने बाबा की बात। मैं जानता हूं कि उन दोनों के लिए इस वक्त बहुत परेशान हो तुम, मगर ये जान लो कि उस्मान सरदार ने जरूर कुछ सोचा होगा इस बारे में, वरना वो कभी जाने का नहीं कहते। अच्छी तरह अंदाजा है मुझे कि इन लोगों को हम बचा लेंगे, मगर अभी हमें जाना है यहां से। हाँ, चलो सिपाहियों। बाबा, मेरी बच्ची, मेरी जान, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। एल्चिम, कुछ नहीं होगा मुझे, अपना ख्याल रखना, मैं लौट कर आऊंगा। तो ये शरायत है तुम्हारी, ये तो वाजे है कि तुम मेरी सरजमीन पर अपने मकसद के लिए अगर मुझे और मेरे सिपाहियों को मातहत करना चाहते हो, तो कोई शक नहीं किल्हानी रियासत की बहुत बड़ी जंग मुझसे शुरू होगी। हालात जरूर बेहतर हो जाएंगे, वक्त दो खुद को, क्योंकि इसी में तुम्हारी बेहतरी है। ये मामलात इतने आसान नहीं। अभी काम करो, फिलहाल अपनी सरजमीन वापस जाओ और सोचो इस बारे में। ताजुद्दीन नोयान, खाने पर यानी शहर में कल मुंतजर रहूंगा तुम्हारा, जरूर आना, वहां हर चीज पर तफसील से बात होगी, समझ जाओगे, वरना समझाना आता है। फिक्र मत करना, कोई जाल नहीं होगा। जरूर आऊंगा मैं, सलामत रहिए उस्मान सरदार। हाँ, सलामत रहो।
उस्मान सरदार, हाँ माशाल्लाह। अपने लोगों की आजादी के लिए असीर हो गए गुंदूस साहब। हाँ, क्या एक सरदार का फर्ज नहीं होता कि वो अपने लोगों की हिफाजत करे? क्या हमारा बुनियादी मकसद अपने लोगों की आजादी नहीं है उस्मान सरदार? ऐसा ही है, आप जैसे लोग और होने चाहिए। आप हरगिज फिक्र मत कीजिए, जालिमों के सामने आपने सर नहीं झुकाया। कुछ भी करना पड़े आपको बाहर निकाल कर आऊंगा। शुक्रिया उस्मान सरदार, बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं, बहुत तकलीफ में हूं मैं, लेकिन अपनी सबसे कीमती चीज को तकलीफ में नहीं देख सकता। मेरी बेटी आपके पास अमानत है, महफूज है आपके साथ। मेरी बेटी बहुत बहादुर है उस्मान सरदार, बिल्कुल एक जंगजू की तरह बहादुर। समझ सकता हूं, आप फिक्र मत कीजिए, आपको बेहतर सुकून मिलेगा। एक एक चीज का हम इनसे हिसाब लेंगे। जैसा मैंने आपके बारे में सुना था उससे बढ़कर पाया, मेरी तरह जवान और बहादुर। इंशाल्लाह वक्त जरूर आएगा, आपके सिपाही और सरदार आपके साथ होंगे। हरगिज भी ना उम्मीद मत होइए, हरगिज नहीं। मुझे बताइए जरा, ये सब हुआ कैसे? सिर्फ मुझे नहीं, उलझाए तोहान ने हमारे सिपाहियों को जमा किया, लेकिन उस ताजुद्दीन नौयान ने तरह तरह के हरबे खेले और हमें धोखा दिया। उसने मेरे शहीद बेटे को और मुझे एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। मैंने अपने बेटे को उस वक्त दफन किया जब हमारे बीच इख्तलाफ थे। उस्मान सरदार, बहुत जुल्म हुआ है, इसी वजह से हम कोनिया और तबरेज के दरमियान फंस गए। तोड़ कर रख दिया उसने हमें, हमें इस हाल तक पहुंचा दिया। उस्मान सरदार, उसकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा, वो अपनी शातिर जबान से लोगों को जाल में फंसाता है। उसकी जबान खंजर से भी ज्यादा तेज है। उसे रोकने के लिए उसे मारना होगा, लेकिन जिस तरह हमारा यहां से निकलना मुमकिन नहीं, उसी तरह यह भी नामुमकिन है। हाइमा खातून के नसब को आपको लगता है कि बेसहारा छोड़ दिया जाएगा? हरगिज फिक्र मत कीजिए, इनको मारकर या रोककर आपको यहां से ले जाऊंगा। इंशाल्लाह। हमारे सामने ये कुछ भी नहीं है। Shh.
आप मुझे यहाँ बिलावजह लाए हैं औरहान साहब, नहीं रुकूंगी मैं। मैं यहाँ हरगिज नहीं रुकने वाली, अपने बाबा को लाऊंगी। खातून, सोच लो एक दफा और। बाबा के आने तक तुम्हें यहीं रुकना होगा। उस्मान सरदार ताजुद्दीन नौयान का सामना नहीं कर सकेंगे, ये वाज़े है। इसलिए ये मामला अपने तरीके से हल करने दे। एलचिम खातून, बाबा की वापसी तक यहीं रुकना होगा तुम्हें। खैर तो है उरहान, क्या चल रहा है यहाँ? उस्मान साहब कहाँ है? ताजुद्दीन नौयान के पास रुका है, उसी ने अपने पास बुलाया था उनको। और हाँ, हर चीज से आगाह कर दिया जाएगा। कारजलसून ने हमें चारा बनाया था ताजुद्दीन नौयान के लिए। दरअसल शुरू से ही वो हमारे साथ खेल रहा था। जहरीला सांप है नौयान। मेरे बाबा और भाभी ताजुद्दीन नौयान की कैद में हैं। तो मैं सुकून से कैसे बैठ सकती हूँ? हाँ बेटी, तुम्हें सब्र तो करना ही होगा। उस्मान साहब को पहले आकर हालात समझने दीजिए, फिर जो मुनासिब होगा वही किया जाएगा। चलो आप जाइए अंदर एलचिम खातून, जल्दी। सिपाहियों, कुंदूज सरदार और खातून को पानी दो। इनकी वजह से काई का सरदार उस्मान यहां चला आया है। मुझ पर तुम्हारे पानी का एक कतरा भी हराम है। तुम एक काफिर हो। उस्मान सरदार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्या समझे? खुशफहमी है, लेकिन काई का सरदार अब मेरे सामने झुकेगा, उससे हिसाब लूंगा मैं।
और अगर ऐसा न हुआ तो मैं उसे मजबूर कर दूंगा। ये वक्त बताएगा कि किसका सर झुकेगा और कौन किससे हिसाब लेगा। ताजुद्दीन नोयान, देखना तुम मारे जाओगे बहुत जल्द। क्या कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ, फिर भी अकल नहीं आई? याद नहीं है क्या, तुम्हारे बीवी बच्चे मर चुके हैं, मार डाला मैंने सबको। आया याद या नहीं? बदबख्त, मार डालूंगा, इन्हीं हाथों से तुम्हें मार डालूंगा मैं। तुम्हारी मौत इन्हीं हाथों से लिखी है। चलो माना एक बेवकूफ हो तुम, लेकिन क्या इस लड़की पर तरस नहीं आता? इस बेचारी का तो ख्याल करो कुछ। मेरा सरदार, तुम जैसे भेड़ियों के आगे नहीं झुकता और मुझे इस पर फख्र है। मुझे बाहर निकालो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकूं। खोलो इसे, खोलो। एक बार मुझे निकलने दो, फिर बताऊंगा। ऐसी भी क्या जल्दी है, जल्दी मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, फिर तुम सब मेरे मातहत हो जाओगे। सवारी तैयार करवाओ। बाबा, मेरी बेटी, आप ठीक हैं? शुक्र है आप आफियत से हैं। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं, मेरी फिक्र मत करो। आपके साथ कुछ हो ना जाए, बहुत डर था हमें बाबा। ओ डरो नहीं फातिमा, कौन तकलीफ देगा मुझे, तुम्हारे बाबा एहतियात से काम लेते हैं हमेशा। मेरे सरदार, शुक्र है आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ, ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। भेस बदल कर ताजुद्दीन नौयान बनकर आने वाला, कहाँ है इस वक्त? जिंदान में है उस्मान। गुंडू सरदार और आयशा खातून का क्या हुआ? ताजुद्दीन का भी कोई इरादा नहीं है, वो भी कोई और मंसूबे बना रहा है। चलो आ जाओ, सब अंदर चलते हैं। ताजुद्दीन नौयान उस्मान सरदार को निशाना बना चुका है, अगर उन्होंने इसकी अताअत ना की तो ये सबको राख कर देगा। ताजुद्दीन नौयान दुश्मन से हमेशा 100 कदम आगे चलता है। उस्मान एक मुश्किल हदफ है और वो ये बात अच्छी तरह जानता है। यकीनन उसने पहले ही कोई मंसूबा बना रखा है। काइयों की आखिरी उम्मीद सिर्फ उस्मान सरदार हैं। अगर ये उम्मीद ही ना रही तो काई फना हो जाएंगे। हर किस नहीं, काई हमेशा जिंदा रहेगा। किसी न किसी तरह हमें निकलना होगा यहां से। बस एक बार यहां से निकल जाए, फिर बताएंगे कि काई कौन है। कितनी कोशिशें कर चुके हैं बाबा, नहीं निकल सकते। मुझे यहां से हर हाल में निकलना है। उस्मान सरदार को मेरी जरूरत पड़ेगी,
उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। आखिर ये सलाखें कब तक मुझे रोक पाएंगी? आखिर उस शैतान को एक ना एक दिन तो मार डालूंगा मैं, सर कलम कर दूंगा उसका मैं। या अल्लाह हमारी मदद कर, मदद कर। और जाए तो हान जंग की तैयारी कर रहा है और हमारे सिपाही चाहता है, मगर उसकी असल नीयत हमारी ताकत को तकसीम करना है। रियासत सलजूक के बाद वो किसी को भी इस खित्ते में मजबूत देखना नहीं चाहते। जंग में हमें खींच कर वो कमजोर लम्हे में बाजंतीनियों के सामने फेंक देंगे। अगर हम उनके आगे झुक जाएं, गुंदूस साहब उनके सामने झुके नहीं और यही वजह है उनके कबीले को तबाह कर दिया गया। वैसे आपके ख्याल में कौन सा तरीका मुनासिब है? ताजुद्दीन नौयान को गौर से देखो तो उसके अल्फाज कुछ और कहते हैं, चेहरा कुछ और। उसे दस्तरखान पर बुलाया है मैंने ताकि कुछ वक्त मिल सके। किस चीज के लिए वक्त चाहिए उस्मान सरदार? एक बहुत बड़ी जंग लड़ने के लिए। और अब तमाम सरदारान और तमाम कबाइल को बाखबर कर दिया जाए, एक नई जंग में हम दाखिल होंगे। उन्हें बता दीजिए कि तुर्कों के मुस्तकबिल के लिए यह जंग बहुत जरूरी है, मगर हम सबसे पहले गुंदूस साहब और आयशा खातून को लेने के लिए ताजुद्दीन नौयान की करारगाह जाएंगे। हाँ, याद रहे वो लोग काई कबीले और हाइमा वालदा की नस्ल से हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी इज्जत है वो लोग। अगर हम उन्हें असीर छोड़ देंगे तो बाकी लोग हम पर कैसे एतबार करेंगे? और मेरे घर वालों को उनके कब्जे से कब छुड़वाएंगे? तुरान को ताजुद्दीन नौयान की करारगाह पर जासूस के तौर पर तैनात किया है। जनाब, क्या जासूस का होना काफी है हमारे लिए? उन पर हमला कैसे करेंगे? वो जगह जहां हम गए ताजुद्दीन की असीर करारगाह है, उसने हमें दिखाया कि वो दोनों जिंदा हैं। ये वाज़े है कि वो उन्हें अपनी असल करारगाह में ले जाएगा। क्या हमारे जासूस की इत्तला हमारे लिए काफी होगी सरदार? क्या हम उन्हें रास्ते से हटाने जा रहे हैं? सिर्फ कैदियों को उनकी कैद से रिहा करवा लेने पर उनकी ताकत कम नहीं होगी। मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो इन सरजमीनों से ऐसे ही नहीं जाएगा, वो किसी ऐसे को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा जो हमसे नफरत करता। आप मेहमत से इत्तेफाक करेंगे क्या जनाब? उसे बस एक मौका चाहिए जनाब, वो कब से हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैर कुताए को उनके और करीब करके मैं उनकी रस्सियां थाम चुका हूं। रास्ते से हटो, नहीं तो कुचल दिए जाओगे। सुना नहीं तुमने? हटो रास्ते से। Thank you.
मेरे सामने इस तरह खड़े होने की हिम्मत के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? तो बताओ अब कौन हो तुम? तो वो मशहूर रूमी चल्ला तुम हो, तुर्क नजाद इमरान तेगिन। सिपाहियों से इत्तेफाक किया और अहले तराकिया को लूटने वालों को माफ कर दिया। लगता है आंद्रोनिकोस के पास कोई और चारा नहीं था। कहा तो नायमान और गोरकलो खान के बाद कहीं तुम भी उस्मान के सामने बेबस ना हो जाओ, इसलिए मैं यहाँ भेजा गया हूँ। क्या चाहते हो कि हम बेसहारा बादशाह का सहारा लें? इमरान तेगिन, कहीं शहंशाह ने तुमसे किसी चीज का वादा तो नहीं किया? उस्मान के सर के बदले सारे सरहदी कलों का मालिक बना दिया जाऊंगा। अगर मैं उस्मान का सर न लूं तो क्या होगा? अगर तुम्हें उस्मान का सर नहीं चाहिए तो बताओ फिर, क्या तुम चाहते हो कि वो तुम्हारा सर ले ले? ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा उस्मान और कायियों को खत्म करने का कोई इरादा नहीं। कहीं तुम उन्हें अपनी कमान में डालने का तो नहीं सोच रहे हो? तुम अभी हमसे बिल्कुल वाकिफ नहीं हो ताजुद्दीन नौयान, ये मत भूलना। मैं भी एक तुर्क हूं, तुर्क कभी भी तुम्हारी बयत नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने शहंशाह की नहीं की। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें भेड़ियों का रेवड़ काबू करना आता है इमरान तेगिन? भेड़िये पिंजरों में डालने के बाद कभी भी तुम्हारी बयत नहीं करेंगे, उन्हें उनके कुदरती माहौल में काबू करना होगा। उन्हें खौफजदा किए बगैर या नाराज किए बगैर इंतहाई प्यार से। तुम अपने दुश्मनों का मुकाबला कुत्तों को भेड़ियों से तशबीह देकर करोगे क्या? क्योंकि तुम्हारा सुल्तान तो ख्वाब देख रहा है, अगर यही रेवड़ तुम्हारे लिए खतरा बन गया तो क्या? कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर हमारे सामने कोई आया तो मारा जाएगा। अगर उसने हमारे हुक्म की तामील नहीं की तो फिर उस्मान का सर तन से जुदा करना हलाल है। क्या तुम अकेले ही उस्मान का सामना करोगे? सरदार, शहजादी का क्या होगा? कब तक उसे नजरबंद रखेंगे? उस शहजादी की अब बारी आएगी। वो ताजुद्दीन नौयान के हाथ लगकर हमारे लिए जासूसी करके हमें खबरें भेजेगी,
और हमने उससे जो वादा किया उसे पूरा करेंगे। उस्मान सरदार, अगर आपके मंसूबों की बातें और शहजादी और जासूसी की बातें हो गई हों तो मेरे खानदान को बचाने की भी बात कर लें, मेहरबानी होगी, क्योंकि आपने ताजुद्दीन नोयान का सर कलम करने का जिक्र नहीं किया। देखो बेटी, इस तकलीफ का मुझे अंदाजा है, हां मगर जंग में गुस्से से काम नहीं लिया जाता। हम हर हद तक एहतियात से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। उस्मान साहब। एल्चिम खातून। उस्मान साहब के सामने हद में रहें। हम यहां आपके खानदान को महफूज रखने की कोशिश कर रहे हैं। मलहून, अकल के मुताबिक अब तक हर काम सरंजाम दिया, अब जसारत के अलावा कोई चारा नहीं बचा हमारे पास। सबको बाखबर कर दिया जाए कि जंग करने का वक्त आ गया है, या तो फना हो जाएंगे या तो अजीम रियासत बनाकर पूरी दुनिया पर छा जाएंगे। लगता है मुझे खुद ही कुछ करना होगा, यहां कोई नहीं है जो मेरा दुख सुने। एल्चिम, क्या मैं अंदर आ सकती हूं बेटी? जंगी लिबास की वजह से आपकी खूबसूरती का अंदाजा नहीं हुआ, मगर आप काफी खूबसूरत हैं माशाल्लाह। शुक्रिया, मगर मेरी वालिदा कहती थी कि इंसान की किस्मत अच्छी होनी चाहिए। मलहून खातून, मैं अपने खानदान को नहीं बचा सकी, बेबस होकर रह गई हूं मैं। ये वाजे है कि उस्मान सरदार हमारी तरफ नहीं है। आप उस्मान सरदार को नहीं जानती बेटी, उस्मान सरदार बीच रास्ते में किसी को नहीं छोड़ते। बेफिक्र रहिए, वो आपके वालिद और खानदान को जरूर बचा लेंगे। शायद आप मुझे ना समझ पाए मलहून खातून, लेकिन किसी पर भरोसा करना मैंने नहीं सीखा। अपने बाबा के अलावा मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। इन सरहदी इलाकों में आते वक्त मैं भी ऐसे ही थी। मेरे जहन में सिर्फ मेरे वालिद और मेरा कबीला था, इसलिए मैं आपको अच्छी तरह समझ सकती हूं। आपने इस तरह का लिबास क्यों पहना है और आप क्यों महसूस करती हैं आपको मजबूत रहना होगा, मैं सब जानती हूं। आप भी एक सरदार की बेटी हैं और अपने वालिद की मीरास की हिफाजत की जिम्मेदारी भी आप पर है। मगर ये बात बिल्कुल ना भूलिएगा, आप अकेली नहीं है बेटी, हम आपके शाना बशाना खड़े हैं। मैं नाराज हूं कि तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया। फिर सोचती हूं कि अगर तुम उसकी जगह होती तो क्या करती। गुंजा, तुम्हें हक है। काश कि ये सब ना हुआ होता मदरसे वाले। गोंजा, रुको जरा, तुमसे कुछ बात करनी है।
बाबा ने हमें यहां छोड़ दिया ताकि सरहदी इलाकों में उस्मान काबिज ना हो जाए। क्या तुम अभी तक उन्हीं? मैं सिर्फ अपने मकसद का सोच रही हूं भाई, अपने काम पर तवज्जो दे। गोंजा भूलो मत, तुम अमानत हो मेरी। खबरदार अगर अलाउद्दीन से मिलने की कोशिश की तुमने। आप मेरे सरपरस्त नहीं है भाई, आप और मैं अपने अपने फर्ज सर अंजाम देंगे बस। मेरा सिर्फ एक ही फर्ज है अलाउद्दीन, खबरदार जो उसके बारे में सोचा, वरना मैं तुम्हें उसके साथ ही मार डालूंगा। मार देंगे मुझे, ऐसा ही है तो ठीक है, मार दे मुझे, मारिए ना, देख क्या रहे हैं भाई, मारिए ना मुझे, इंतजार किस बात का है आपको? रुक जाओ, मारिए ना, जान छूट जाएगी आप लोगों की। ये क्या कर रही हो तुम? होश में आ जाओ। मरे हुए शख्स को नहीं मार सकते, पहले ही मर चुकी हूं मैं, भूल गए क्या? कैसे भूल सकते हैं आप भाई, सारी दुनिया नहीं भूली, आप कैसे भूल गए? मैं याकूब सरदार की बेटी गोंजा, मैं एक जासूस हूं, ये कैसे भूल गए? होश में आओ गोंजा, ये कोई नहीं भूल सकता, आप कैसे भूल गए? हो क्या है तुम्हें, किस तरह की हरकत है ये? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मैं मचा आ जाओ जयर कोता है। ताजुद्दीन नोयान आया है। वो क्यों आया है यहां? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मालूम हो जाएगा। ताजुद्दीन नोयान के इरादे ठीक नहीं लग रहे, मोहतात रहे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया बाबा। गाजी, खाना क्यों नहीं खा रहे? क्या हुआ है तुम्हें? बाबा के बारे में सोच रहे हो क्या? उस्मान सरदार, अभी मैं खुश ही था कि मुझे मेरे बाबा वापस मिल गए, लेकिन हम फिर से जुदा हो गए। देखो बेटा, वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हरगिज फिक्र मत करना, काम खत्म करके आ जाएंगे। मेरा वतन बस सलामत रहे, मैं ये तकलीफ बर्दाश्त कर लूंगा। वालिदा, सब ठीक तो है? आप परेशान लग रही हैं, ऐसा क्यों? अगर ताजुद्दीन नोयान वाले मसले का सोच रही हैं तो परेशान ना हो, उसे हल कर लेंगे इंशाल्लाह। या फिर कोई और बात है मलहून वालिदा? जनाब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कह दूं? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल इजाजत है। मेरे बच्चों, मैंने ख्वाब देखा है। खैर तो है वालिदा? वो मैंने ख्वाब में एहराम पहने देखा।
हज पर जा रही थी। मेरे बच्चों, मैं हज पर जा रही हूं। السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید۔ آپ نے یہاں آ کر عزت بخشی ہے مجھے۔ سنا ہے یعقوب سردار، اپنے بچوں کو بازار سپرد کر کے کوتاہیا چلے گئے ہیں۔ یہ بازار بلاخر الحان ریاست کا ہے، میرا ہے، تاج الدین نویان کا۔ احوال میں خود سننا چاہتا ہوں۔ बिल्कुल ठीक सुना है, लेकिन अब बेटा बड़ा हो गया तो इसी वजह से बाप को राहत मिली। मेरे बाबा किसी जरूरी काम की वजह से हमें यहां बाजार छोड़कर गए हैं। क्या यह वाहिद चीज है ताजुद्दीन नौयान जो आपको यहां तक खींच ले आई? आप कहीं गोंचा खातून तो नहीं? ठीक कहा आपने, मेरी यहां आने की वजह सिर्फ यही नहीं है। अगर याकूब सरदार यहां नहीं है तो उनका बेटा तो है, और मैं इसी से बात करना चाहूंगा, सिर्फ इसके साथ। आप लोग बाहर जाइए। तुम भी गूंज जाओ। आखिर हमारा मकसद एक ही है मेहमद सरदार। अलजियोतु खान का भतीजा मुझसे क्या बात करना चाहता है? दुश्मन के बारे में नहीं समझे काई का सरदार उस्मान? वालिदा, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप जरूर जाएंगी। अल्लाह ने चाहा तो कल सुबह मेरी रवानगी होगी। वालिदा, वालिदा इतनी जल्दी किस लिए? मैं भी साथ चलूंगी। हाँ वालिदा, आप जानती हैं मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं आपके साथ जाऊंगी। सुनो जरा, कहीं नहीं जा सकती तुम फातिमा, यहीं रहोगी, ठीक है? जहां मैं होऊंगा तुम वहीं रहोगी। अल्लाह आपके रास्ते रोशन करे वालिदा, उस मुबारक मुल्क में हमारा सलाम जरूर पहुंचाइएगा। इंशाल्लाह मेरे बेटे, इंशाल्लाह। इस मुश्किल वक्त में मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ये ख्वाब बार बार आया है मुझे। फिक्र करने की जरूरत नहीं है मलहून,
ये जगह हमारी हिफाजत में है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम यहां मौजूद हैं वालिदा। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ मगर सबको छोड़कर जाना मेरे लिए तकलीफ देह है। काफी बार सोचा कि ना जाऊं मगर बुलावा आ चुका है। परेशान मत हो, दुआओं में हमेशा तुम हमारे साथ रहोगी। आपकी राह आसान हो मलहून खातून, चूंकि आपका रास्ता बहुत तवील है इसलिए आपको तबीब की जरूरत पड़ेगी, तो आप शहजादा अलाउद्दीन को साथ ले जाइए। गाजी, आप ये मलहून खातून के लिए चाहते हैं या फिर अपने लिए? अपने लिए ऐसा क्यों चाहूंगा मैं, मुझे तो मलहून खातून की फिक्र है। और इसके अलावा शहजादा हाजी भी बन जाएंगे। सरदार, क्या आप इन्हें जाने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अलाउद्दीन पर बड़ी जिम्मेदारी है, कह नहीं जा सकता अभी। हाँ तुम जा सकते हो वैसे। नहीं, मेरा फर्ज अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, आप जानते तो हैं। इजाजत दीजिए सरदार। जरा देखो इसे। वालिदा, मैं बहुत याद करूंगी आपको। मेरी प्यारी बेटी, मैं भी तुम्हें बहुत याद करूंगी, बहुत याद करूंगी तुम्हें। मुझे आप सब बेहद याद आएंगे। जाहिर है कि ये कुछ नहीं करने वाले मेरे लिए, मुझे अब खुद ही कुछ करना होगा। मैं आपके लिए खाना लाई हूं एलचम खातून, तशरीफ रखें। शुक्रिया, आप खाना रख दीजिए, मैं खा लूंगी। आप तलवार लिए रात के इस वक्त कहां जा रही हैं? इसके लिए माफ करना मुझे। नफरत इस दुनिया का सबसे सच्चा एहसास है, मालूम है तुम्हें? और ऐसा क्यों है पता है? क्योंकि मोहब्बत जैसा कोई फरेब नहीं होता। हां लेकिन इसमें एहतराम नहीं होता। लेकिन जब मैं उस्मान का नाम लेता हूं तो आपका चेहरा सुर्ख हो जाता है। बात की तरफ आइए ताजुद्दीन भैया। हाँ, अब जो कहा जाए गौर से सुनो। जानता हूं तुम्हें खौफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बहादुर हो मेहमद सरदार, अपने बाप की तरह हो, इसलिए तुम उस्मान को शिकस्त नहीं दे सके, क्योंकि वो बहादुर नहीं। अपनी बात जारी रखिए, मैं सुन रहा हूं। याकूब सरदार उस ना झुकने वाले सर को नहीं काट सके, बिलाखिर उससे हाथ मिलाने पर मजबूर हो गए, क्योंकि उस्मान ने तुम्हारे बाप की मेहरबानियों का गलत फायदा उठाया। अफसोस हुआ मुझे।
अल्लाह हमें मुनाफिक लोगों से दूर रखे। लेकिन तुम अपने बाप से मुख्तलिफ हो, तुम काटोगे उसकी गर्दन। उस्मान ऐसा शख्स है जो अपने ख्वाबों के लिए लोगों को मुसीबत में डाल देता है, लेकिन अब वो तुम्हें ललकार रहा है। गोया ये काफी नहीं कि हम सबके सामने बेनकाब हो चुके हैं। मैं अपने वालिद जैसा नहीं हूं, शायद वो ये नहीं जानता। ठीक कहा तुमने, हम अनकरीब शोहरत और गनीमत की जंग में लग जाएंगे, और इस जंग में तुम मुझे जंगजू सिपाही मुहैया करोगे। लेकिन मैं जानता हूं बाबा मुतमईन नहीं होंगे। तो फिर तुम एक बुजदिल कहलाओ के मेहमत। याद रखना होगा तुम्हें, और जानना होगा तुम्हारा बाप कोताहिया क्यों चले गए अपनी जमीन को छोड़कर। तुम्हें एहसास होना चाहिए कि तुम किसको ललकार रहे हो। लेकिन हमने इनकार नहीं किया अभी तक। तुम्हारा मकसद यह है अपने बाप को राजी करो, और मैं उस्मान के खिलाफ जंग में तुम्हारा साथ दूंगा, हत्ता के तुम्हारे लिए वो कलाई भी तोड़ दूंगा। हमारे इरादे मुत्तफिक हैं, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और तुम मुझे सवाल का जवाब दोगे। क्या तुम ही थे वो जिसने बाबा पर हमला किया? देखो मेहमत, ये मेरी खानदानी अंगूठी है। मेरे एक पैगाम भिजवाने पर अल्हानी रियासत के सिपाही यहां पहुंच जाएंगे, 1,00,000 या फिर उससे कई ज्यादा। तो फिर मैं तुम्हारे बाप के कत्ल का मंसूबा क्यों बनाऊंगा? इतनी ताकत होने के बावजूद मजाक मत समझो मेहमत। मैंने सवाल पूछा, जवाब मिल गया। मेरा साथ दो, मैं तुम्हें सारी जमीनें दे दूंगा। हम ये काम तुम्हारे साथ मिलकर अंजाम देंगे, क्या कहते हो? एलचिम खातून भाग रही है। इसे सुकून नहीं आएगा बिल्कुल। सिपाहियों हर तरफ फैल जाओ जल्दी। खातून रुक जाओ, कोशिश बेकार जाएगी तुम्हारी। खैर तो है खातून, जा रही है, बताया नहीं। रुक जाओ कहा था मैंने, सुनाई नहीं दिया था? और हां साहब, कहिए। रास्ते से हट जाइए, अपने बाबा के पास जा रही हूं मैं। या अल्लाह मुझे सबर दे। एलचिम खातून, कहा ना मैंने कि आप कहीं नहीं जा रही अभी, चले जाए अंदर। अगर जरूरत पड़ी तो ये सारी दीवारें गिरा दूंगी, लेकिन रुकूंगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर, क्यों नहीं। ख्वाब देखना अच्छी बात है,
आप मुझे ऐसा करने पे मजबूर कर रहे हैं। और हां साहब, बात सुनिए, एलचम खातून को कमरे में ले जाइए, शायद रास्ता भटक गई है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, आप मुझे इन चार दीवारी में कैद नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे। क्या वो तैकफर आए जिन्होंने हमारी इज्जत को पांव तले रौंदा? आए हैं, जो उस्मान को महसूल भेजने वाले थे उस बारे में बात करने आए हैं। बेबस, इनके होते हुए दुश्मनों की क्या जरूरत, ये हमें अंदर ही अंदर खोखला करते हैं। लेकिन मैं इन्हें खत्म करने आया हूं। मलहून, मैं जानता हूं तुम जाना चाहती हो, लेकिन अभी तुम हज पर नहीं जाओगी। हर किसी को यही लगे कि हज के रास्ते में हो तुम कहीं, लेकिन तुर्कमान सरदारों के पास जाओगे, उन्हें मेरा साथ देने पर कायल करोगे, उनमें जिहाद की आग जो बुझने वाली है उसे भड़काओगी फिर से। और हां, रियासत की वालिदा को सामने देखकर वो जान जाएंगे किस कदर संजीदगी है। मैं वही करूंगी जो आप मुझसे कहेंगे जनाब, मगर छुपकर जाने की क्या जरूरत है? खुफिया रखने इस फरीजे को जरूरत है इस वक्त की, किसी किस्म के खतरे में तुम्हें नहीं डालना चाहता। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ। सफर की तैयारियां मुकम्मल है सरदार। कोनूर वहां साथ जाएगा। कोनूर, मलहून खातून तुम्हारी हिफाजत में है। कोई कबीला ऐसा नहीं होगा जहां आप लोग ना जाएं। आपका हुक्म सर आंखों पर। जिनका दिल तुर्कों के लिए धड़कता है वो हमारा साथ जरूर देंगे सरदार। ये सारा काम मुकम्मल हो जाने के बाद ना ताजुद्दीन नौयान और ना ही कोई रोम का जल्लाद हमारे सामने खड़ा हो सकेगा। हमारे रास्ते बहुत रोशन है जनाब, हज के सफर को फिलहाल मुलतवी कर देते हैं। अल्लाह के कलाम की सरबुलंदी के लिए इस फरीजे को पूरा करना होगा। इंशाल्लाह, हम मुत्तहिद हुए बगैर मजबूत नहीं हो सकते। हम पहले मजबूत होंगे और उसके बाद वो रियासत बनाएंगे जिसकी हुक्मरानी पूरी दुनिया पर होगी। ये सफर मुबारक हो। इंशाल्लाह जनाब। इंशाल्लाह। 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 उस्मान को महसूल भेजना मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल। और हमने ताजिरों की रकम भी जब्त कर ली है जिससे अवाम परेशान है, और हम उस मकाम पर खड़े हैं कि हम महसूल अदा नहीं कर सकते। तो फिर ना अदा करें महसूल। करना होगा, आप उसे नहीं जानती। ये सोना उस्मान को हमारे कलों की दीवारों तक पहुंचने से रोकता है। फजूल बात है, तुम्हें क्या लगता है तुम इन सोने के सिक्कों से उस्मान को रोक सकते हो? तुम सिर्फ उसका साथ दोगे। इमरान तैकिन, रोम का जलाद, तुम सबको बाज़ंतीन का भेड़ समझा जाता है। आपने इन बुज़दिलों को किस तरह से बर्दाश्त किया हुआ है? तुम यहां आकर मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। तुम कहीं वही तो नहीं जिसने उस्मान के सामने हथियार डाले? अगर शहंशाह ने हमारा साथ दिया होता तो हम ये हरगिज ना करते। उन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया। क्या शहंशाह इतना नाहिल है कि उसने तुम्हें भेजा? उस्मान को सोने के कितने सिक्के दिए? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? तुम कौन हो जो मुझसे एहतसाब लेने की कोशिश कर रहे हो? इससे बेहतर है मैं जान दे दूं। हाँ, दे दो फिर। Ah!
दुआ कबूल हुई। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ हैं। जो भी उस्मान को खत्म करना चाहता है उसके साथ हूं मैं। जबरदस्त, समझदार है। मेरे नाम पर इन हुक्मरानों के कले संभालेंगी। उस्मान को खबर नहीं होनी चाहिए। सब कुछ पहले जैसा चलता रहेगा। शहंशाह का हुक्म है। आपको मालूम है कि मेरे यहां आने की वजह क्या है? तकफूरों को तो मार दिया आपने और मैंने शहंशाह के हुक्म से उनके कलों पर कब्जा किया। जाहिर है आप यहां हुक्मरान बनने आए हैं। आप वाकई बहुत समझदार हैं। क्या आपको लगता है ये आप खुद कर सकते हैं? आपको थोड़ा वक्त लगेगा मेरी ताकत को समझने में। और जो मैं उस्मान और उसकी कौम के साथ करने वाला हूँ ओलिविया खातून, आपको इसका अंदाजा भी नहीं। छोड़ो। शहजादे में परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, और इनका ख्याल रखिए। छोड़ दीजिए मुझे और हान साहब, मैं अपने बाबा को बचाने जाऊंगी। एल्जिम खातून, तुम्हें बात समझ में नहीं आती? नहीं, सब समझ आ गया है मुझे। आप मेरे किसी काम के नहीं हैं, इसलिए हट जाए रास्ते से। हरगिज नहीं, थक चुका हूं तुम्हारी बेवकूफियों से। आप होते कौन है मुझे बेवकूफ कहने वाले? तो बताओ, मुझे बेवकूफ नहीं हो तुम क्या? एल्जिम खातून, ताजुद्दीन नोयान मजाक नहीं कर रहा कोई। अब अगर आपने एक जरा सी भी गलती की तो आपके घर वाले, कोई नहीं रोक सकता उन्हें मरने से। मेरा खानदान वैसे ही मर रहा है और हान साहब, आपके बाबा ने उससे इत्तेहाद कर लिया जिसने मेरी वालिदा और मेरे भाई को मारा था। खातून, तुम मेरे बाबा को और मेरे खानदान के बारे में बिल्कुल नहीं जानती हो, और ना ही तुम मुझे जानती हो। हाँ, मैं नहीं जानती और ना ही तुम्हारे बाबा को, लेकिन ताजुद्दीन नोयान को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। अगर मैंने उन्हें बचाने की कोशिश ना की तो वो मेरे बाबा और मेरी भाभी को मार देगा। अच्छा ठीक है, ऐसे समझ नहीं आएगी तुम्हें। और हान साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? और हान साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? और हान साहब, दरवाजा खोले। और हान साहब, आपने मेरे लिए दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा और कोई, अब आराम करें। और हान साहब, दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा। ये हरगिज नहीं होगा। सिपाहियों, अब ये दरवाजा ना खुले। खातून बाहर नहीं आएंगी चाहे कुछ भी हो जाए। इसका हिसाब लूंगी मैं आपसे उरहान साहब, इसका हिसाब लेकर रहूंगी मैं। वो सोचता है कि वो किसी तुर्क के गले में पट्टा डालेगा, खास तौर पे उस्मान जैसे जिद्दी भेड़िये के गले में। वो उसे अपनी जंग में प्यादा बनाएगा और सियासत करेगा, बेवकूफ। कह दो उन्हें मैं जल्लाद हूं। हम यहां क्यों आए हैं साथियों? खून के लिए, गनीमत के लिए, खून के लिए, गनीमत के लिए। और किस लिए मरेंगे? जमीन के लिए, जीत के लिए, जमीन के लिए, जीत के लिए। जंग लड़ने वाले सियासत के जाल में नहीं फंसा करते।
ताकतवर वही है जो जंग जीतता है। इस जंग का आगाज हम करेंगे और उन्हें अपनी ताकत दिखाएंगे। तमाम उसूल भी हम तय करेंगे और तोड़ने वाले भी हम होंगे। ताजुद्दीन नोयान को समझने दो कि हम उसके साथ हैं। अब हमें क्या करना होगा इमरान तकिन? उस्मान को हम उसके अपने लोगों के बीच जाके मारेंगे। उसे और उसके लोगों को अपनी दहशत दिखाएंगे। मुझे तुमसे अलाउद्दीन का सर चाहिए। उसके दिल के सबसे करीब उसके बेटे को छीन लूंगा। मैं अपने सबसे माहिर आदमी भेजूंगा। नहीं, ओल्गा ये काम करेगी। उनके शहर में दाखिल हो और चालाकी से उन्हें खत्म कर दो। ये जमीनें और कले हमारे नहीं रहे अब। हम किसी का हुक्म नहीं सुनते और ना ही किसी की बायत करते हैं। हम अपनी जंगें शुरू करते हैं और खत्म भी हम ही करते हैं। अपनी तलवारें निकाल लो सिपाहियों, चाहे जितना भी खून बहाना पड़ जाए। जब तक उस्मान का सर मेरे कदमों में नहीं गिरता, नहीं रुकेंगे हम। मलहून वालिदा, अल्लाह आपकी राहें कुशादा करे इंशाल्लाह। मेरा बहादुर बेटा अलाउद्दीन, जीते रहो, अल्लाह की अमान में रहो। आपको भी इंशाल्लाह। वालिदा। और हान, मेरा दिलेर बेटा, आपके भाई बहन आपके हवाले हैं अब। इनका ख्याल रखना है और हमेशा मुत्तहिद रहना है। आपकी वालिदा हमेशा यहां होंगी, ये याद रखिएगा। मेरी वालिदा, आपको फिक्र की जरूरत नहीं है। आपके वापस आने तक कुछ भी नहीं बदलने वाला। यहां पे हम हमेशा मुत्तहिद रहेंगे। अल्लाह की अमान में रहो। आप भी मेरी वालिदा, आप भी। फातिमा, मेरी खूबसूरत आंखों वाली प्यारी सी बेटी, उदास मत हो बेटी। बैतुल्लाह जा रही हूँ अल्लाह के हुक्म से। मुकद्दस सरजमीन में हाजिरी देकर इंशाल्लाह लौट आऊंगी। हमारी जुदाई दायमी नहीं है। जानती हूँ मैं वालिदा। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। खैरियत से जाएं और खैरियत से आएं। आमीन मेरी प्यारी बेटी, आमीन। अपने दोनों भाइयों पर अच्छी तरह नजर रखना। और बाला वालिदा की नाफरमानी मत करना। अपनी वालिदा की बहादुर बेटी, अल्लाह की अमान में रहो। मलहून खातून, अल्लाह आपकी मंजिल आसान करे। अगर दानिस्ता मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा मुझे। सब माफ किया आलगन, तुम भी मुझे अपने हुकूक माफ कर दो, ठीक है? जी, माफ किया। सिपाहियों, अपने हुकूक माफ कर दीजिए। बिल्कुल माफ है। सब माफ है मलहून खातून, लेकिन बैतुल मुकर्रम से क्या लाएंगी? जो चाहोगे वो लेकर आऊंगी गाजी सिपाही। शैतान को कंकरियां भी मारेंगी तो वही कंकरियां ले आइएगा। शैतान को भगाने वाली कंकरियां काफिरों को भी भगा देंगी। मैं ले आऊंगी गाजी। गाजी, उन कंकरियों की जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो तुम्हें तलवार थमाकर
कुफार की तरफ रवाना कर देते हैं। क्या वाकई जनाब? हाँ क्यों नहीं। कोनूर, क्या तैयारियां मुकम्मल हैं? तैयारियां मुकम्मल है जनाब, साथ जाने वाले सिपाही यानी शहर के बाहर हमारे मुंतजर हैं। तो चलो फिर चलते हैं। ताजुद्दीन नौयान यहाँ क्यों आया है आप जानते हैं जरकुताई? मालूम नहीं कौन जगह तुम, जरूर कोई अहम बात होगी वरना वो यहाँ हरगिज नहीं आता। सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। गुंजा खातून मेरा इंतजार कर रही थी क्या? अगर मुझे मालूम होता तो तुम्हें इंतजार न करवाता। बिल्कुल नहीं, आपको गलत फहमी है। हमारे यहां बिन बुलाए मेहमान को अलविदा करने का रिवाज नहीं है ताजुद्दीन नौयान। वो जैसे आया है वैसे ही चला भी जाए। गुंजा खातून, ऐसा लगता है कि मेरी आमद ने ज़हनी सुकून खराब कर दिया तुम्हारा। तुम्हारे हसीन चेहरे पर गुस्सा अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे दिल का जहर तुम्हारे चेहरे से आया है, बातों से छुपा नहीं सकते उसे। मुझे एक जरूरी काम था, देखो तुम्हारे जाने से पहले आ गया मैं। अपना काम बखूबी करने वाले लोग पसंद है मुझे, मेहमान नवाजी आपकी पसंद आई हमें। हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। अगर तुम उस्मान के साथ इत्तेहाद करते हो उस वक्त मैं मेहमान बनकर नहीं तुम्हारी मौत बनकर आऊंगा, समझे? सलामत रहो। सलामत रहो। जो हमें छोड़ कर चला गया वो हम में से नहीं। यही जगह तो मेरी असल जगह है और मैंने इससे कभी इंकार भी नहीं किया। जनाब, उस्मान की बीवी हज पर जा रही है, उस्मान उसे अलविदा कहने के लिए रवाना हुआ है। उस औरत को मेरे पास ले आओ, मेहमान के तौर पर खाली हाथ जाना जायज नहीं। हाँ
उस्मान की बीवी। चलो हमला करें। हुजूर वो आ रहे हैं। सिपाहियों, हमारा हदफ गुंदूज साहब और आयशा खातून होंगे। तुर्क कैदी नहीं हो सकता, ये उनको दिखाएंगे। जो जो हुकुम सरदार साहब। रुक जाओ। ठीक तो है ना? ठीक है, हम ठीक हैं। मुझे पूरा यकीन था कि आप हमें जरूर बचाएंगे उस्मान सरदार। उस्मान ने तुम दोनों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल दी। और वो तुम्हारी जगह मालूम करने के लिए झंझला रहा होगा। तुम्हारी बदौलत उसे गुलाम बनाऊंगा। कोई इन दोनों की जगह ना जान पाए। ले जाओ उन्हें। उस्ताद जुद्दीन ने पहले मेरे बेटे का रिश्ता खराब किया, फिर उसकी बीवी का, आयशा खातून, और मेरे बेटे का रिश्ता खराब किया और मेरे बेटे को गद्दार बना दिया, और फिर वो हमें अंदर से खाने लगा और कहा कि सभी सरदारान को दीवान में जमा करो। उसका मकसद था उनके सिपाहियों को अपने काबू में करना। आखिर एक तुर्क की इज्जत को कोई कैसे रोन सकता है। उन्होंने हमारे कबीले पर हमला कर दिया और मेरी माँ और शोहर को खैमे में बंद कर दिया। उन्होंने हमें खत्म कर दिया उस्मान साहब, सब खत्म कर दिया। ताजुद्दीन नोयान बहुत ही जालिम है। और आहिस्ता आहिस्ता उसने हमें खत्म करना शुरू कर दिया। उन्होंने जो किया वो जंग नहीं थी, उनके हमले का मकसद हमें खत्म करना था। दुखी मत हो,
आपकी तकलीफ समझ सकता हूं, बिल्कुल समझ सकता हूं। अब दो रास्ते हैं आपके लिए, बताइए जरा, क्या आपको आजाद रहना है या फिर महफूज रहना चाहते हैं? हमने अपना रास्ता उस्मान सरदार चुना है, आपका रास्ता और हमारा रास्ता एक ही है। ऐसा ही है, आजाद हैं हम लोग, आजाद हैं हम लोग। हम अगर बस ये याद रखिए, अब एक बहुत बड़ी जंग है हमारे सामने, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी, हो जाए तो हां जंग का ऐलान कर देगा। हम अगर हम उनकी रफ्तार तो कम कर ही सकते हैं। हम जितनी भी मजामत करेंगे ताजुद्दीन नयान के लिए उस कदर ही मुश्किलात पड़ेंगी, हैं? वो ना सिर्फ मुश्किल में घिरेगा बल्कि अपना मकाम भी खो देगा। जानता हूं मैं आपका कबीला तबाह हो गया, मगर अभी उम्मीद बाकी है आपकी वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान सरदार, ये बातें सुनकर मेरा दिल खुश हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमें तकसीम करने के ख्वाह हैं, लेकिन जहां हम मुत्तहिद हो रहे हैं उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। हम क्या करें? वही जो हमेशा सब तक करते आए, उन पर हमला करेंगे। ला गालिब इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तुम्हारी मोहब्बत कोनिया में पाबंदे सलासल है, बहुत जल्द तुम दोनों को आपस में मिला दूंगा। बदले में तुम ताजुद्दीन नयान के पास जाओगे और वहां से जासूसी करोगे। मुझे जो भी करना पड़ा करूंगी उस्मान सरदार। चलो, जैसा मेरे सरदार चाहते थे वही हुआ। ताजुद्दीन एक काफिर, जब ये खेल खत्म होगा तो मैं इसका चेहरा देखूंगा। छोड़ूंगी नहीं। आयशा, भाभी, शुक्र है तुम ठीक हो। खबरदार, खामोश रहो अल्जिम, खतरा अभी टला नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अब हम आजाद हैं, क्या अब हम उस्मान सरदार से भी सच छुपाएंगे? बाबा, सुनो, कुछ दिनों तक के लिए ऐसा ही चलेगा, समझ गई? बस तुमने अपनी जगह बदल ली है, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। अगर उस्मान साहब को इसका इल्म होता तो सूरत हाल मजीद पेचीदा ना हो जाती। बाबा, ये राज हम नहीं छुपा सकते, हमें इसे बताना ही होगा, वरना बाद में मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। शुक्र है कि आप इकट्ठे हैं। एल्जिम खातून ने आपका बहुत जिक्र किया, एक बार फिर खुश आमदीद।
शुक्रिया। गुंदूस साहब जी, उस्मान साहब दीवान में आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर इजाजत दें बाला खातून। बिल्कुल, शुक्रिया बाला खातून, आपकी बदौलत हमारा खानदान एक बार फिर से इकट्ठा हो गया है। शुक्रिया, ये एहसान आपका कभी नहीं भूलेंगे। हमने वही किया जो हमारी जिम्मेदारी थी। अब आपकी कैद खत्म हो चुकी है आयशा खातून, उनसे बराबर का हिसाब लिया जाएगा जिन्होंने आपको तकलीफ दी। हम में से कोई भी इतना मजबूत नहीं है, आप उसे नहीं जानते बाला खातून। ताजुद्दीन दूसरे दुश्मनों से बहुत अलग है, वो तलवार से ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करता है, उसे शिकस्त देना नामुमकिन है। मुमकिन नहीं है हा? लगता है कि उसने बहुत डरा दिया तुम्हें। ये कोई खौफ नहीं है, वो अच्छी तरह जानता है उसे शिकार किस तरह करना है। वो ये नहीं सोचता कि उसे दुश्मन को कैसे मारना है, बल्कि वो मौत से भी बदतर सलूक करता है। वो अपने दुश्मन को अपना गुलाम बना लेता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। जनाब एक खबर है, शहजादी मारिया हमारी गिरफ्त में है, खैमे में ला रहे हैं उसे। उस्मान, अब तुम मेरे हाथ आ गए हो, शहजादी के साथ अच्छे सलूक से पेश आओ और मैं उस्मान के पास जाकर ये खुशखबरी सुनाऊंगा। ओह, ताजुद्दीन नोयान को खाने पर दावत दी जा रही है, क्या हो रहा है उस्मान साहब? वो मेरी बीवी, मेरे बच्चों और मेरे खानदान का कातिल है। मैं जानता हूं गुंडू साहब, बिल्कुल जानता हूं। कुछ नहीं जानते आप उस्मान सरदार। अगर आपका मकसद बातचीत के जरिए इस मसले का हल है तो आप अनजान हैं। उस नरम चेहरे के पीछे एक शिकारी छुपा हुआ है, पेट भरने के लिए किसी का भी शिकार करता है, मगर वो अपनी तकसीम के लिए मारता है। सभी जवानों को इकट्ठा करके आग में फेंक दिया उसने और बैठकर देखता रहा। मुझे भी खड़ा रखा। वो एक आफरियत है उस्मान सरदार, एक आफरियत। वो ताजुद्दीन नोयान उस गुस्से की मानंद है कि जिसके सामने हम लोग सूखे दरख्त की तरह खड़े हुए हैं, उखाड़ ले जाएगा, लेकिन हम उसके तूफान के आगे साबित कदम रहने वाले चनार के दरख्त की तरह खड़े होंगे और उसके लिए हम उसके मुताबिक तैयारी करेंगे। क्या इस दावत के पीछे आपकी नीयत कुछ और है? खूनी हुक्मरान के साथ खून का ही मामला होगा। हरगिज़ फिक्र मत कीजिए और दिल मुतमईन रखिए, हमारी सब की सब चालें उस नौयान को खत्म करने के लिए है। जब वो आए तो देख लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अब ये बताइए, आप और आपका कबीला आबाद कहां होगा? मंगोलों से जितना दूर हो सकता हो वहां उस्मान सरदार। हमें जख्म भरने में बहुत वक्त लगेगा उस्मान साहब, हम जानवा की तरफ जाएंगे। हमें तन्हा छोड़ देंगे? नहीं, मैं कबीले को आबाद करूंगा,
और फिर बदला लेने के लिए वापस आऊंगा। आपके लोगों की, आपके सिपाहियों की मेजबानी अपनी सरजमीन पर करना चाहता हूं, यहीं रुक जाइए। हम आप पर बोझ नहीं बनेंगे उस्मान सरदार। मजीद ताजुद्दीन नौयान और भड़केगा उससे। मैं यही तो चाहता हूं गुंदूज साहब, गुस्सा दिलाकर उसके अंदर के हैवान को बाहर लाकर उसका गला घोंटना चाहता हूं। आप मुझे इस सफर में अकेला नहीं छोड़ सकते, हमारे साथ रहिए, यानी शहर का दिफा करेंगे, जो भी अंजाम हो हम साथ होंगे। नहीं जानता कि क्या कहूं, तकदीर से ज्यादा पायदार कोई चीज नहीं। अल्लाह आपकी मदद करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं तुम्हारा अच्छी तरह इलाज करूंगा, सिर्फ तुम ही मेरे वाहिद राजदार हो। मैं अपना राज किसी और पर जाहिर नहीं कर सकता। बिलाखिर मैं एक सिपाही हूँ। क्या कोई सिपाही कहता है कि मेरा फरीजा मुश्किल है या वो हिचकिचाता है? यकीनन वो नहीं कहता, वो ये नहीं कह सकता। तुम तो मुझे समझते हो ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, दुख बांट रहा हूँ अपने दोस्त के साथ। इसकी हालत देखी जाए तो ये बड़ी परेशानी में है। मैं इसे परेशानी नहीं कह सकता, ये फरीजा है। फरीजा बड़ा है, लेकिन आप जानते हैं कि कौन हूं मैं। जासूस जहर कुताई का बेटा हूं मैं। यहाँ हर कोई बाजार में मुझे जासूस जहर कुताई का बेटा कहता है, लेकिन उस्मान सरदार का सिपाही हूं मैं। ये बोझ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तलवार से वार करता हूँ और राज रखता हूँ। जाहिर है तुमने बहुत कोशिश की। राज रखने का कह रहे हो ना? उस्मान सरदार अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले एक अजीम सरदार हैं। रसूल अल्लाह की सुन्नतों को जिंदा रखते हैं। जानते हो, हमारे नबी छोटे बच्चों पे शफकत फरमाते थे। क्या सच में? हाँ सच में। पहला मुसलमान बच्चा शाह मर्दा हजरत अली। हाँ जानता हूँ मैं, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे लेटकर काफिरों का सामना किया था। माशाल्लाह। एक और भी हैं, अनस बिन मालिक, उनके बारे में जानते हो? अनस बिन मालिक हमारे हुजूर से बेपनाह मोहब्बत करते थे। हमारे नबी करीम की मदीना हिजरत के दौरान उनकी वालिदा ने बतौर खादिम उन्हें रसूल अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। 8 साल की उम्र से उन्होंने अपनी वफात तक हक का साथ कभी नहीं छोड़ा। सब जंगों में शरीक रहे। जंगे बदर में शरीक हुए तो उनकी उम्र 12 साल थी, मगर सबसे अहम अनस बिन मालिक रसूलुल्लाह के राजदान थे। बच्चा राज का मुहाफिज है। हमारे नबी उन्हें अपने राज बताते थे, फर्ज सुपुर्द करते थे बगैर किसी हिचकिचाहट के, क्योंकि वो जानते थे कि अनस बिन मालिक उनके राज की हिफाजत करेंगे। छोटे बच्चे थे लेकिन उनका ईमान बहुत बुलंद था। जो भी हो जाए उनके राज किसी को नहीं बताते, यहां तक के अपनी वालिदा को भी नहीं, किसी को नहीं, किसी को भी नहीं। और अब तुम भी
उस्मान सरदार के राज की हिफाजत करो। खुशकिस्मत हो, उस्मान सरदार की राह में एक अहम फर्ज अदा किया है तुमने, लेकिन याद रहे कि तुम तन्हा नहीं हो, पहले भी तुम जैसे बहादुर बच्चे हुए हैं, इस्लाम के खिदमत गुजार तुम भी उनमें से एक हो। क्या वाकई उनमें से हूँ मैं? बिल्कुल। तो दरवेश अफंदी आप है कौन, नाम क्या है आपका? ताब्दुक यूनुस कहते हैं मुझे। ताब्दुक यूनुस? शहजादे हर वक्त आपका तस्करा करते हैं, क्या आप है यूनुस एमरे? मेरा ये दोस्त बहुत जख्मी है, मैं इसे पट्टी बांधने वाला था, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे आपकी अमानत में रखना चाहूंगा। अलाउद्दीन, तुम गुंजा खातू सिपाहियों, गुंजा तुम तो किताइया चली गई थी। मेरे वालिद और वालिदा चले गए, मैं और भाई सरहदी बाजार में हैं। अच्छा तो ऐसा है, बनी गर्मिया के लोगों का यानी शहराना मना है, तो फिर तुम यहां कैसे? घूमने फिरने नहीं आई, कुछ कहना है मुझे। कहो। अलाउद्दीन साहब, ताजुद्दीन नौयान कल सरहदी बाजार में आया था और मेरे भाई से मुलाकात की। मुझे डर है भाई कोई गलती ना करे और उसके साथ ना मिल जाए। तुम फिर से वही काम कर रही हो गुंजा, बताओ मुझे दोबारा क्यों एतबार करूं तुम्हारी बात का? मुझसे एक गलती हुई और उसकी कीमत चुका रही हूं मैं। मैं यहां भाई को बगैर बताए अपनी जिंदगी खतरे में डालकर आई हूं, मुझे मार देंगे ये जानते हुए भी। मुझे तुमसे अलाउद्दीन का सर चाहिए, उसके दिल के सबसे करीब उसके बेटे को छीन लूंगा मैं। ओल्गा ये काम करेगी। यहां मैं इसलिए आई हूं ताकि मेरा खानदान और गलतियां ना करे। बस यही कहना था, मैंने अपना फर्ज पूरा किया, अब यकीन करो या ना करो ये तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, यकीन है तुम पर, अब वापस बाजार जाओ तुम। अलाउद्दीन! गुंजा! गुंजा! हाँ, कहो मेहमान। ताजुद्दीन नौयान मिलने आया था मुझसे, उसने कहा अगर उस्मान से इत्तेहाद किया तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। तो फिर क्या, मुझे क्यों बताने चले आएगा? मैं अपने बाबा के हुक्म पर अमल कर रहा हूं, उन्होंने कहा था मैं आपसे ताल्लुकात अच्छे रखूं। ताजुद्दीन नौयान सिर्फ आपके लिए नहीं मेरे लिए भी आफत बन सकता है। मैं चाहता था कि आप इसके बारे में जानें और इस पर अमल करें। हुजूर, महमद और ताजुद्दीन नौयान मिल गए हैं, जाहिर है कि उनका मकसद एक है। महमद, ताजुद्दीन नौयान किसी से मुआहदा कभी नहीं करेगा, उसे तो यह सिर्फ अपनी सहूलत के लिए गद्दार चाहिए।
सरहदी बाजार में वापस जाओ। ताजुद्दीन नौयान यहां आ रहा है, तुम्हें यहां ना देखे तो अच्छा है। वो तुमसे अगर कोई मुतालिबात करता है तो मुझे बताना आकर। परेशान ना हो उस्मान साहब, इजाजत दीजिए। उसने सबको अपने जैसा बना दिया है। अगर आप हुक्म दे तो इनके सर इनके जिस्म से अलग कर देंगे। बिल्कुल नहीं, हम यहां ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आगे बढ़ो। लोग अपने सरबराह पर अगर यकीन रखते हैं तो उस यकीन को तोड़े बगैर उन्हें तबाह करना मुश्किल है। बदकिस्मती से अंधे हो गए हैं ये, लेकिन मैं इन्हें बहुत जल्द सच दिखाऊंगा। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो उस्मान साहब, यकीनन हमारे लिए अच्छी खबर होगी इंशाल्लाह। फैसला कर लिया आपने? मैंने फैसला बहुत पहले कर लिया। हाँ, मैं बेसब्र हो रहा हूं, लेकिन इससे पहले मेरे पास बहुत अहम खबर है जिसे तुमने छुपा रखा था। शहजादी मारिया, वो मेरे कब्जे में है। जानता हूं मैं। अब तुम भी सुन लो जरा गौर से। हरगिज तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। हरगिज कभी महसूल नहीं दूंगा। और अगर मुझसे मेरे एक भी सिपाही का तकाजा किया, हरगिज नहीं दूंगा। जहन नशीन कर लो। ये गलती कर रहे हो उस्मान साहब। तो अगर ऐसा ही है तो सुनो, जिनकी तुम्हें बहुत परवाह है, उस गुंदूज सरदार की और आयशा खातून की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो। किसी को भी खतरा नहीं है इस वक्त। देख रहा हूं मैं।
क्या चालें सिर्फ तुम ही चल सकते हो? हम तुम्हारी गिरफ्त से रिहा हो गए ताजुद्दीन नोयान, अब बहुत जल्द तुम्हारे साथ जंग करेंगे। मुझ पर हाथ डाला है तुमने उस्मान, याद रखना और बर्दाश्त नहीं करूंगा, बहुत हो गया। अगर एक बार जंग शुरू हो गई तो फिर मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। मौत से हम लोग नहीं डरते, उसके साथ हम जीते हैं। लेकर आओ कारा जला सुन को यहां। तुम इसका यहां गिरेबान पकड़ो। चूंकि तुमने खेल का हिस्सा बनाकर इसे यहां छोड़ा, तो इसलिए इसे मारना मेरे लिए मुनासिब नहीं। उस्मान, यह आखिरी मौका है। बस! सुबान चलाने की इजाजत हर किस नहीं है यहां। कितने मजलूमों का खून बहाया, पनाह मांगने वालों को भी नहीं छोड़ा। सजदा करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें क्या? नहीं आई शर्म तुम्हें? कौन सी किताब में लिखा है मेरा नाम है उस्मान सरदार? अगर सारी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए उसके बावजूद भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अगर जंग करने का इतना शौक है तो ये रहा शहर, ये रहा मैदान, हरगिज़ पीछे मत हटना। उस्मान, इसका तुमसे जरूर हिसाब लूंगा। तुम्हें अगर सुकून का सांस भी लेने दिया तो मेरा नाम ताजुद्दीन नहीं, इस शहर के आखिरी इंसान की जान लेने तक सुकून से नहीं बैठूंगा। तुम्हें जान नंबासिल करूंगा उस्मान। हम क्यों से डरने वाले नहीं, जो कर सकते हो करके तुम देख ले। सरदारान, सिपाहियों, आज से एक बड़ी जंग की शुरुआत हो चुकी है। अब अपने घोड़ों पर सवार होकर शुमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब की तरफ जाइए। सारे तुर्कों को और उनके सरदारों को खबर भिजवा दी जाए। उनसे कह दीजिए
ये वजूद की जंग का आगाज हो चुका, आज से आराम करने का वक्त खत्म हो गया और अब से ये नई बेदारी का वक्त है। अल्लाह हू अकबर, 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 अल्लाह हू अकबर। या अल्लाह, कुछ नहीं होगा गुंजा। किसने किया ये? गुंजा उठो, चलो मेरे साथ। रुको, कौन हो तुम? इस बार तुम नहीं बचोगे मेरे हाथों से, बताओ कौन हो तुम? गुंजा, 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 आगे खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा गुंजा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अलाउद्दीन, मुझे वापस जाना होगा, मुझे जाना होगा, वरना भाई, भाई मुझे मार देगा। गुंजा, गुंजा, होश में आओ गुंजा, अपनी आंखें खोलो, आंखें खोलो अपनी गुंजा, अपनी आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, चलो मेरे साथ, तुम ठीक हो जाओगी गुंजा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा गुंजा, तुम ठीक हो जाओगी, तुम ठीक हो जाओगी गुंजा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम पीछे नहीं हटेंगे, इसका फैसला हो चुका, इंतजार नहीं करेंगे हम लोग। ताजुद्दीन नोयान का लश्कर हरकत में आए उससे पहले हमें करारगाह जाकर उन पर हमला करना चाहिए। और हां सरदार जनाब, उन पर दाएं तरफ से हमला करो। जो हुक्म जनाब। गुंडू सरदार, बाएं तरफ से कमान आप संभालेंगे। ठीक है उस्मान साहब। ताजुद्दीन नोयान के लश्कर को ढेर करके उल जाए तो हान के लश्कर पर हमलावर होंगे। हाँ, ये उसका भतीजा है सरदार, वो हम सबसे हिसाब लेना चाहता है। बहुत से हिसाब हैं जो ताजुद्दीन नोयान अदा करेगा बुरान साहब, लेकिन कल की फिक्र कल के लिए छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ओह, आप फिक्र मत कीजिए, उसने आज तक जो किया है उसका हिसाब वो देगा, मगर हम लोग ये सब अकेले नहीं करेंगे, बल्कि हर वो शख्स जिसे जिहाद की लगन है हमारे साथ होगा। ये मुश्किल होगा उस्मान साहब। तो क्या हुआ, ऐसे इंतखाब बहादुरों का ही होता है। हरगिज फिक्र मत करो इसके, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। इंशाल्लाह, 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 इंशाल्लाह। मगर याद रहे, ये दुश्मन हम पर सिर्फ मशरिक से ही हमला नहीं करेगा, अब तो वो रोम का जल्लाद, वो भी सरजमीन तक पहुंचने वाला है। बाइंदर सरदार जनाब, तकफूरों के पास जाइए और फिर से यकीनी बनाइए कि हमारे अलावा वो किसी और का साथ हरगिज नहीं देंगे, बल्कि वो इस जंग के लिए महसूल भी अदा करेंगे। जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा उस्मान साहब, आपके हुक्म के मुताबिक हम उनसे महसूल और बैत लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, तो चलिए हम आगाज करते हैं अपनी मुहिम का। बस याद रहे, दुश्मन खामोश नहीं रहेगा, अगर ताजुद्दीन नौयान के लश्कर पर हमला न किया तो उस सूरत वो यानी शहर आ सकता है। माला खातून, औरतों, बूढ़ों और बच्चों को इकट्ठा कीजिए, जितनी जल्दी हो सके उन्हें शहर से निकालिए, उन्हें कोजा को लग के मकाम पर ठहराया जाए। जो आपका हुक्म, इसके साथ एहतियाती तदाबीर जरूरी है उस्मान। क्या अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ। अलाउद्दीन, क्या हुआ है? क्या हुआ बेटा? ये कमान, उस खातून के पास था जिसने मुझे मारने की कोशिश की। क्या? तो इसे चलाने वाली
एक खातून है। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हो ना? ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। उन्होंने पहले याकूब सरदार और अब तुम्हें मारने की कोशिश की है। लोग यहां हैं। जंग का आगाज हो चुका मेहमद सरदार। अच्छा लगा तुम्हें यहां देखकर। उस्मान बहुत आगे निकल चुका है। उसने जो किया वो उसकी कीमत अदा करेगा। जरूर करेगा। हम मिलकर उससे हिसाब लेंगे। लेकिन मेरी ख्वाहिश है उस्मान को आखिरी बार सरहदी बाजार में देखना चाहूंगा। और तुम इस मुलाकात के लिए सालिस हो गए। अगर मकसद जंग ही है तो फिर उससे मिलने की क्या वजह है? क्या मैं जान सकता हूं वजह? क्योंकि उस्मान सरदार का झुकना मेरे सामने उसकी मौत से ज्यादा खुशी का बाइस है। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। कुछ भी करो उसे तुम मजबूर करो मेरी बैत के लिए। क्या तुम भी ये नहीं चाहते? इस तरह काई और बनी गर्मियान दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन उस्मान का तुम्हारी बैत करना मुझे भी खुशी देगा। दुरुस्त रास्ते पर हो तुम अहमद। जीते रहो सरदार। ये मुझसे कैसे होगा? या अल्लाह मेरी मदद फरमा। या अल्लाह शिफा दे। मुझे लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करना चाहिए। ये रहा। मुंह खोलो गुंजा। तुम एक मजबूत लड़की हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने और खवातीन ने इसका मुआयना किया है। खातून मंगोल नहीं है, ये ईसाई है। ये वो कपड़े हैं जो इसने पहन रखे थे। ये उन्हीं कपड़ों से मिलता जुलता है जो हमने उस दिन देखा था। ये वो है याकूब साहब को लगा था जो। ये याकूब साहब को लगने वाला तीर है और ये वो तीर हैं जो उस औरत के पास मौजूद थे। ये एक जैसे हैं। है तो वैसा ही, मगर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मंगोल कमान लग रही है, सलेबी नहीं है। मंगोल कमान तो पहले भी हम देख चुके हैं, इसमें क्या फर्क है? सलीबी तार के लिए रेशम इस्तेमाल करते हैं। यह मंगोलों की तार है, जानवरों के हाथों से बनी है। समझ गया। हाँ वो सलीबी कमान को मंगोल कमान के तौर पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो हमारे साथ खेल रहे हैं?
हो सकता है हमारे जहन को उलझाने के लिए सब कर रहे हो। पहले याकूब सरदार और फिर अलाउद्दीन। मुसीबत बड़ी होगी यकीनन। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हम पता लगा लेंगे। उन्हें लगा हमारे लिए सिर्फ एक कमान होगी। अब हम जानते हैं कि ये कमान किसकी है। उनका ख्याल था कि हम मंगोलों को जिम्मेदार समझेंगे। वो जो कोई भी हमें हदफ से भटकाना चाहता है। जो हो रहा है इससे रोम के जल्लाद को फायदा है।